सत्ता हुए। <laughs> ओके 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 कोई है मोको कतर है बेटर नहीं नहीं अनस भाई हम कंटिन्यू करते हैं सेशन माय क्वेश्चन इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज Zahid bhai's information right now so I'll skip अच्छा जी भैया सबसे पहले तो ये कि आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि थोड़ा सा मार्केट अपडेट वगैरह दी जाए और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि जाहिर है उनको इतना खास कोई तजुर्बा नहीं है क्रिप्टो में, तो जब वो ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं कि भाई 10 दिन गुजर गए मार्केट कुछ खास नहीं कर रही है, 20 दिन गुजर गए कुछ खास नहीं हो रहा, 30 दिन गुजर गए कुछ खास नहीं हो रहा, भाई 1.5 महीना हो गया, तो उनके हौसले बड़े पस्त हो जाते हैं। तो उनमें से काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि या तो गलतियाँ कर करके वो केयरलेस हो जाते हैं, ट्रेड वेड लो, ये करो वो करो, लालच वालच के किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ मार्केट से निकालो। इस चक्कर में बहुत सारे लोग जो है वो तो पूरा उनके हालात खराब होके ठुस वो घर बैठ जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि उनका इंटरेस्ट खराब होता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाता है कि भाई यार छोड़ो यार, ये क्या फालतू मार्केट है यार, ये तो इस तरह है, इस तरह है, फलाना न्यूज, कभी पता नहीं कोई चाइना बैन कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, तो ये तो हमारा फ्यूचर इसमें बिल्कुल टाइम पास है, यानी हमारा कोई यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। ये सारा सोच के बड़े हौसले उनके पास हो जाते हैं। बाकी है माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त किस्म के कुछ लोग हैं, बल्कि काफ़ी सारे जो लोग हैं, स्पेशली वो जो हमारे साथ हैं, क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्ट रहते हैं, हम लोग जूम कॉल ये वो डिस्कॉर्ड कॉल फलां ढिमका सारा कुछ, तो वो तो बहरहाल अपडेट रहते हैं, वो तो उनकी खैर, वो उनको पता है कि भाई यार बुरा टाइम जो है इसका हमें पता था, अभी जो अच्छा टाइम आ रहा है उसका भी हमें पता है, तो कम अज़ कम वो उनके हौसले वौसले जो है ना वो पाकिस्तान सोल्जर्स की तरह जो है ठीक ठाक बम्बू रहते हैं। तो पहले तो ये कि भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग जो है, मुझे नहीं पता फेसबुक से कितने लोग हैं और डिस्कॉर्ड वाले ज़्यादा हैं या वो ज़्यादा हैं, क्या स्टोरी, मगर जो भी है आप लोग जो है ये सारा कुछ जो देख रहे हो ना इसको इग्नोर करो। आप लोग चीज़ों को पाँव के सामने करके नहीं देखा करो कि यार ये आज ऐसा हुआ तो कल वैसा हो गया, तो परसों फिर पता नहीं क्या हो और फिर तरसों फिर ना नीचे आ जाए तो मैं एंट्री लूँ या ना लूँ, ये वो, तो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, स्पेशली क्रिप्टो को लेकर। ठीक है, एक तो शॉर्ट साइटेड नहीं होना चाहिए इंसान को इस तरह के फाइनेंशियल मार्केट्स में, अब चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो कोई गोल्ड वगैरह सिल्वर मार्केट्स या कुछ और, मतलब जो भी हो फाइनेंशियल मार्केट्स बाय द वे। तो इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग चीज़ों को देखा करें, और स्पेशली वो लोग जो इसमें से कोई फ्यूचर बनाना चाहते हैं। ठीक है ना, अब हमने जब से शुरू किया आज तक मुझे अंदाज़ा है कोई तकरीबन 4-5 हज़ार लोग हैं, ठीक है, जो ऑन एंड ऑफ मिलते भी हैं, कभी किसी का मैसेज आ गया, कभी उनमें से बहुत सारे जो डिस्कॉर्ड में बैठे हुए तो वो तो हमें वैसे पता होता है, उसके अलावा कॉल वॉल पे जो है कभी जब इस तरह की जूम सेशंस हो या डिस्कॉर्ड कॉल सेशंस चल रही हो तो वो लोग आते हैं। तो काफ़ी सारे हज़ारों में लोग हैं जिनकी ज़िंदगियाँ टोटल बदल गई है विद इन वट 8-9 महीने में। आप अपनी ज़िंदगी टोटली A to Z उसको 360 बिल्कुल टर्न दे दो, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। ठीक, मतलब कहने का मकसद ये है कि जो लोग पाँव के पास सोचते हैं ना कि यार आज मैं $20 बना लूँ, कल मैं किसी तरह 20 और बना लूँ, ओ पाकिस्तानी हिसाब से $40, ये तो इतने बनते हैं, और ये 8, 10, 15, 20 हज़ार, 30 हज़ार बन गए तो यार ये तो मज़ा आ जाएगा, फिर जाएंगे, फिर बाइक पे चक्करे मारेंगे, फिर वो सी व्यू जाएंगे, फिर फलां करेंगे, फिर बची वाला सिस्टम करेंगे, ये वो। तो ये छोटी सोच है, और छोटा जो है सोच के मालिक नहीं होना चाहिए इंसान को, स्पेशली ऐसी मार्केट में जो कि अभी तक बहुत नहीं है। ठीक है, रिलेटिवली मतलब आप उसको कंपेयर करो ना दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ, तो ये तो अभी आया है, तो बच्चा है छोटा सा, अभी तक तो इसने कुछ खास किया ही नहीं है। बेशक कि आपने देखा अपने सामने आँख के सामने कि भाई यार 3,000 था बिटकॉइन आज से 1 साल पहले या 1.5 साल पहले, और अभी वही 3,000 वाला बिटकॉइन जो है वो 65,000 पे गया है, फिर नीचे आया, फिर अभी 40-45 जो भी है घूम रहा है। सही है, ये फिर भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी तो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि यार वो जो भी करना था बस कर चुका है। ठीक है, 2-10 साल हो गए, अभी धड़म नीचे पीछे जाएगा कोई 100, 200, 150 और ख़त्म। तो अभी तक तो बहुत ठीक ठाक किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली हैं, और वो दरअसल आप खुद अपने पास लेके आते हो, वैसे ऐसा भी नहीं है कि वो खुद आ जाते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके सामने अभी भी है, इसी वक्त भी है, एज वी स्पीक इस वक्त भी है। अब वो कैसे है वो मैं समझाता हूँ। तो लिहाजा पाँव के पास नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकते हो, यहाँ से आप जनरेशनल वेल्थ निकाल सकते हो। ठीक है, मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 10, 20, 50, 60 हज़ार डॉलर से शुरू किया था। कोई यहाँ 5 मिलियन पे बैठा है, कोई 8 लाख डॉलर पे बैठा है आज, कोई 1 मिलियन पे बैठा है, कोई 1.5 मिलियन पे बैठा है। बहुत कम पैसे से शुरू किया है कि आप इतना पैसा बना लो। 10, 20, 50 हज़ार डॉलर क्या होता है, आप उससे बना लो भाई 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख डॉलर की बात हो रही है। ठीक, तो बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। क्यों कर पाए कि अगर आप ये कहो यार वो बड़ा सख्त काम, कोई सख्त काम नहीं है। कि आप ये कहो यार पता नहीं उसके लिए तो मुझे 3-4 साल का तजुर्बा चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। थोड़ा सा गाइडेंस वाइडेंस ये वो तो सारी चीज़ें तो चाहिए होती हैं, थोड़ा रिसर्च कर लिया, चीज़ों को थोड़ा समझ लिया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको फिर चार्ट वार्ट भी आए, ये भी आए, वो भी आए, ये टेक्निकल एनालिसिस सो कॉल्ड जो के लोग बैठे हैं अभी वो सबकी वाट लग रही है। वो सारे जो आपके टेक्निकल एनालिस्ट लोग बैठे हैं, एनालिस्ट ट्विटर पे, यूट्यूब पे, इधर उधर, उनमें से 99.9% की वाट लग के बैठी, सब परेशान है भाई क्या हो रहा है। ठीक, तो कहने का मकसद ये है कि इतना ज़्यादा अपने लिए ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ डिस्कॉर्ड पे भी हैं कुछ लोग, फिर इसी तरह ज़्यादातर तो फेसबुक वगैरह पे हैं, फिर वो पेज वगैरह पे या ट्विटर पे, वहाँ पे जो लोग हैं जो हमारे सर्कल से आउट हैं, बाहर के लोग हैं, जो हमारे डिस्कॉर्ड में नहीं है, वो लोग बड़े टेंशन में होते हैं। उनका भी कसूर नहीं है एक हद तक, क्योंकि आजकल जो है इतना इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा होगी। अब इन्फॉर्मेशन जब ज़्यादा हो जाता है ना आपके लिए, तो वो भी उधर भी आपके लिए बड़ा मसला होता है कि यार आप उसको कैसे सिलेक्टिवली चूज़ करते हो, कौन सा सही है, क्या गलत है, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस पे अमल करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए, कौन सही बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा, कौन चोरी का माल दिखा रहा है, कोई कौन तजुर्बेकार है, कोई क्या है। तो बड़ा इंसान को जो है उसको डिस्टिंग्विश करने में या डिफ्रेंशिएट करने में बड़ा मसला होता है। तो उतना तो चलो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया कि ठीक है भाई उनका भी इतना ज़्यादा कसूर नहीं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तो जिम्मेदारी तो आप लोगों की अपनी है। ठीक है कि भाई इंसान थोड़ा सा रिसर्च वगैरह कर लेता है, थोड़ा समझे कि भाई यार मैं इस मार्केट में आया हूँ, चलो मैं पहले समझता तो हूँ कि यार ये मार्केट है क्या। ये छोड़ दो कि बिटकॉइन क्या है, खाली उधर घुस गए, अच्छा इसका पोटेंशियल क्या है, अच्छा इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह ये वो डीफाई शिप, ये तो बच्चों वाली बातें हैं। हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा फ़ायदा उठाने से ताल्लुक है। हम ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में चीज़ों को देखते हैं। ये बच्चों की तरह उधर जूम नहीं करते, उसको कोई दूरबीन उठाओ, जूम करो, अच्छा डीफाई कोठी उठा लो। ये चीज़ें बाद में आती हैं, ये स्टेप 4, 5, 6 है, ये बाद में आती है। पहले आप लोग असल चीज़ों को समझो, जो मेजर लार्जर पिक्चर है उसको समझो। तो इसीलिए कॉल बुलाई गई है कि 2-4 मिनट का भाषण है सिर्फ इस पर। वो इसलिए कि भाई अपना सिर्फ इस वजह से कि 10-20 दिन हो गए हैं यार बिटकॉइन जो है खाली नीचे जा रहा है, या थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो जैसे हम एंट्री करने वाले होते हैं वापस नीचे आ जाता है। तो ये कन्फ्यूजन जो आप लोगों को दूर करने के लिए, दूसरा ये थोड़ा सा हौसला देने के लिए कि भाई टेंशन वाली इतनी बात नहीं है, ये चीज़ें होती है, नॉर्मल है। ठीक है, आपका बिटकॉइन ये सारा पूरा मार्केट जो है ये 2009 से आज तक मैनिपुलेट होते जा रहा है, हर दिन, एवरी सिंगल डे। ऐसा नहीं है कि वो कभी बस कोई न्यूज़ आ गई तो वो मैनिपुलेशन, नो नो नो, पहले दिन से आज तक वो मैनिपुलेट हो रहा है। आज से लेके वो जब तक बिटकॉइन शिटकॉइन खत्म हो जाएगा वो तब तक मैनिपुलेट होते जाएगा। कोई अगर समझता है कि नहीं वो खुद हो रहा है सारा कुछ है वो, नो 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 नो, वो मजाक करते हैं। क्योंकि दरअसल लोगों को हजम नहीं होता ये चीज़ कि भाई ये कैसे कोई बैठ के ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते, ये हजम नहीं होता। हजम इसलिए नहीं होता क्योंकि कम इल्मी का शिकार, कम तालीम तो शायद बहुत ज़्यादा होगा, कोई डिग्री शिग्री भी बहुत सारी होंगी, मगर वो डिग्री आजकल ना फालतू है, क्योंकि वो तो एक स्पेसिफाइड एक फील्ड है, बस उसके अंदर आप जाके थोड़ा 36 क्या बोलते हैं उसको, 30 मार खान बनते हो, बाकी आपको दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। तो वही माचिस के डब्बे में वही आपकी ज़िंदगी गुजरती है, 30 साल फिर आपको एक डिग्री मिल जाती है। तो उन लोगों के बारे उनकी बात नहीं कर। तो ओवरऑल जो है कम इल्मी का शिकार है लोग, और स्पेशली इस तरह के मार्केट्स में, और स्पेशली हमारे मुसलमान और पाकिस्तानी लोग। क्यों? क्योंकि वैसे भी हम लोग जो है माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त मुल्कों से, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जहाँ इल्म शिल्म का तो कुछ पता ही नहीं है लोगों को, वो खाली बस किसी ना किसी तरह टाइम गुजारना है, टाइम पास ही करनी है, जब आइसक्रीम खाओ, खाना खाओ, चप्पी कबाब खाओ, फलाना खाओ, इधर घूमो बाइक पे, उधर घूमो, गुटखा खाओ, पान पीओ, पता नहीं क्या करो। ये तो वहाँ माशरा, ये ज़िंदगी। अब इस माशरे में इस तरह की ज़िंदगी में जो है वो पूरा एक समझो कि एक चीज़ डिज़ाइन हो गई है ना। तो बच्चा वहाँ पैदा होता है, उसके खून में ऑलरेडी वो सारा कुछ होता है, वो बड़ा होके वही कर रहा होता है, वो वही चर्च वर्स, वही हिसाब किताब, वही 2 नंबरी, या कोई चर्च वर्स नहीं पीता, नशा नहीं करता, तो वो दूसरे हजार दूसरे काम करता है जो कि नशे के बराबर ही। तो बेसिकली मतलब ये है कि टाइम पास ही करता है। इस तरह के लोगों के लिए जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ज़्यादा स्टडी करें, ज़्यादा रिसर्च करें उन चीज़ों को, नहीं जो कि आपको कल को कुछ पता ही नहीं है कि यार वो आपको कोई फ़ायदा देगी नहीं देगी। इस तरह की चीज़ें जो फाइनेंशियल मार्केट्स की जब आप बात करते हो या उसमें आ जाते हो ना एक बार, तो इसको आपको बड़ा सीरियस लेना पड़ता है। दो चीज़ें यहाँ पर, स्पेशली क्रिप्टो, क्यों मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। ये जो वॉलेटिलिटी है ना इसकी, यही इसकी खूबसूरती है। लोग तो बड़े तंग होते हैं इससे, काफी सारे लॉस जो करते हैं वो इसी की वजह से करते हैं, और जो प्रॉफिट करते हैं तो इसी की वजह से करते हैं। कोई और मार्केट है जो आपको बैठे बैठे $1,00,000 बना दे, $50,000 बना दे, $20,000 बना दे? कोई और मार्केट ऐसी नहीं, क्योंकि कोई और मार्केट इतनी वॉलेटाइल तो है नहीं कि आज वो अगर 10,000 पे तो शायद 2 दिन बाद वो 10,000 से 15,000 पे पहुंच जाए। इस तरह तो बिटकॉइन के साथ होता है ना, कभी कभी एक ही दिन में 4-5-6,000 ऊपर चले जाते हैं। इसी तरह जो आल्ट कॉइंस है उसमें भी उठी, देखा आप लोगों ने क्या किया, सारी मार्केट डिप जो सब नीचे, उसके बाद अचानक से रिबाउंड किया, उसमें क्या हुआ, वो 20 सेंट ऊपर चला गया, 20 सेंट के 30 सेंट तकरीबन 28 सेंट, वो 2 दिन में 28 सेंट ऊपर चला गया। ऐसे ही कुछ हुआ, 2 नहीं तो 3 दिन। कभी सुना है ऐसा कि इस तरह किसी और मार्केट्स में होता? नहीं होता ना। तो इससे आप लोग क्या खस करते हो कि भाई यार इस चीज़, एक जगह एक ऐसी मार्केट आ गई है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी समझ लो जिंदगी में आपको मिल गई बैठे बैठे कि भाई आप वहाँ से अगर उसको सीरियस ले लो तो आप ठीक ठाक पैसा वहाँ से कमा सकते। लेकिन अगर आप फोमो करो सारा दिन कि भाई यार नहीं, कुछ ना कुछ निकालना है, आज मैं किसी तरह कोई ट्रेड करूँ, मैं कोई ये करूँ, चलो 20x लॉन्ग करते हैं, चलो तजुर्बे करते, इस तरह नहीं हो सकता। इस तरह हमेशा आप लोग जो है ना अपने आप को इन द लॉन्ग रन डीमोटिवेट करते जा रहे हो, आप खुद ही अपना डीमोटिवेशन का सोर्स बनते जा रहे हो, खुद अपने आप को खराब करते जा रहे हो। फिर एक टाइम आता है इंसान थक जाता है, कहता है छोड़ो यार भाई ये मेरे काम की चीज़ नहीं है। हालांकि वो इस वजह से नहीं कि वो मार्केट का कसूर है, वो कसूर सारा आपका ही है, क्योंकि गाड़ी आपको दे दी जाए और बोलो चलाओ, अब आपको चलाना नहीं आता तो आप कहीं ठोक दो तो गाड़ी का कसूर थोड़ी है, वो तो ड्राइवर है ना जो उधर बैठे चला रहा है, वो तो उसका कसूर है। तो लिहाजा आप अपने फैसले वैसले खुद करते हो, सही है, उसी हिसाब से या तो आपको कोई उसका सही फल मिलता है या तो फिर आप किस्सा खराब हो जाता है आपका, ठीक है। तो मेहरबानी करके मेन चीज़ आज के बाद कोई पाँव के पास नहीं सोचें यार आज मैं किसी तरह $20 बना लूँ, किसी तरह मैं आज $5 बना लूँ। बेशक आपके घर में 1000 मसले हों, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास कि भाई यार हमारे घर में ये मसला हो रहा है, फला फला हो रहा है, मैंने बड़े तजुर्बे किए, कोशिश किया, लॉस किया, आप पैसे दे दो, ठीक है। मेरे पास हज़ारों लोग आए, वो ना हो कोई आज तक 15-20,000 लोग तो मुझे मैसेज किए उन्होंने, सही है, नवंबर से लेके अब तक, शायद कम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा लोगों ने की। लेकिन जितने भी आपके मसले मसाइल, वो अलग बात है आप किसी से मांग रहे हो, मगर वो भी किस वजह से आप खुद को उस स्टेज पे ले आते हो कि आप मजबूर हो जाते हो कि किसी की मोहताजी करो, ठीक, सारा फोमो की वजह से। अगर वही बंदा अगर आराम से बैठ के थोड़ा रिसर्च कर ले, थोड़ा समझ ले चीज़ों को, सारा टाइम गधों की तरह पैसे के पीछे नहीं भागे, ये नहीं समझे कि बस पैसा ईमान है, वो 24 घंटे उसके पीछे लगे हुए हैं, सोते नहीं है, रात को सुबह उठते ही एकदम फोन चेक करो, बाइनेंस है, वो एक हद तक ठीक है, एडिक्शन हो जाती है इंसान को, मुझे भी है, मगर उसको आपको फिर बैलेंस करना आना चाहिए, क्योंकि नहीं कर पाओगे तो शॉर्ट टर्म चलेगा। शॉर्ट टर्म से मुराद क्या है, शायद 1 महीना, शायद 2, शायद 3 महीने, उसके बाद आपका डाउन ट्रेंड शुरू, बिटकॉइन की तरह बस बेयर मार्केट शुरू, आपका हमेशा आपकी पोर्टफोलियो में नीचे जा रहा है पैसा, नीचे जा रहा। तो क्या फायदा उस तजुर्बे का, उस फोमो का और उस मजबूरियों का जो कि आपको फिर प्रेशराइज करती हैं डायरेक्टली या डायरेक्टली कि आप जाओ जोर लगाओ किसी तरह दिन का $20 बना लो, ठीक, कोई मरेगा तो नहीं, क्या ये क्रिप्टो नहीं होता तो क्या करते, काफ़ी सारे लोग हैं, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ थोड़ा सा एग्जांपल या पर्सपेक्टिव में लाने के लिए चीज़ों को। आज के बाद मेहरबानी करें पहले जो है लॉन्ग टर्म चीज़ें सोचें, अपना माइंडसेट चेंज करें। हम लोग अगर कामयाब हैं इस फील्ड में या 1000 दूसरे फील्ड में, पर मेरे बारे में तो आप लोग कुछ नहीं जानते हो सिवाय इसके क्रिप्टो शिफ्ट हो ये वो, तो मेरे तो 1000 चीज़ें घूम रही, इधर कंपनी है, उधर ये चीज़, उधर वो चीज़, और फिर 1000 दूसरी सियासी चीज़ें। तो आप लोग जो है अगर हम लोग कामयाब है इसी तरह मॉनिटर्स देख लो सारे, तो ये जो इनका एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है, कभी देखें लोगों को बैठ के आपके साथ फोमो शुरू और ये वो इस तरह नहीं करते, उल्टा आपको गाइड करे होते। तो अगर ये उस लेवल तक पहुंचे तो क्यों पहुंचे, कि वो किसी ने उनको उठा के तो नहीं पहुंचाया ना उधर के, आज भाई तुमको ऐसे पकड़ के टॉम एंड जेरी जैसे एक दूसरे के साथ करता ना, टॉम जेरी को पकड़ता है उसे गले से या स्किन से उसके, उसको पहुंचाता है कहीं, पकड़ लिया है, मुंह से पकड़ लिया है, जो भी। तो खुद किया लोगों ने, रिसर्च किया है, समझे हैं चीज़ों को, ऑब्जर्व किया है, ये सारा करते 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 वो अभी इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि आप जैसे हज़ारों लोगों को जो है वो गाइड कर रहे होते हैं बैठ के, ये आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेन मुद्दे पे जो आपको अपडेट्स दी जाती हैं उसको बड़ा सीरियस लें। मैंने आज काफ़ी सारे फीडबैक्स देखे, ठीक है, फिर मैंने ऐसे लोगों के मैसेजेस भी देखे कि जो है जो मतलब प्राइवेट मैसेज करते हैं अमूमन, सिर्फ आज की बात नहीं है, अक्सर औकात जो करते हैं, जो फीडबैक्स किए उधर तो ज़बरदस्त मज़ा आ गया मुझे, माशाल्लाह मज़ा आ गया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग इतने खुश हैं, और सारा आपको तो पता तो है मुझे कि ग्रुप में क्या चल रहा है और सारा कुछ मेरे सामने हो रहा है और करने वाले ही हम लोग हैं, तो अंदाज़ा तो है, लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था कि लोग इतने खुश हैं, इतने दुआएं दे रहे हैं और ये सारा कुछ। वो ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने कॉमेंट किया आज, जो कभी चैट पर आते ही नहीं, यानी उनका नाम ही नहीं देखते हम लोग, ग्रुप में तो बैठे हुए हैं लेकिन कभी ना बात करते हैं फोन पे, ना कभी चैट पे कुछ मैसेज वैसेज करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, आराम से बैठे हुए हैं, बस अपडेट सिग्नल ये वो फॉलो कर लिया, उठा लिया, खत्म। आज जब उनको मैंने देखा उसमें से काफी सारे लोग थे जो कभी चैट वैट नहीं करते, तो ये लंबा चौड़ा मैसेज लिखा है कि भाई ये हो गया हमारे साथ, ये हो गया था, वो माइनस कोई बोल रहा 1000 चला गया था, कोई माइनस 2000 चला गया था, कोई 4000 चला गया था, फिर क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर वो ग्रुप में आए, उसके बाद फिर आहिस्ता उन्होंने रिकवर किया और ये तजुर्बा हो गया, फला हो गया, बला। तो बड़ा ज़बरदस्त मुझे मज़ा आया और इसी चीज़ों की वजह से हम ये जो इतना सारा दिन सुबह शाम जोर लगाते रहते हैं आप लोगों के लिए, चाहे वो $6 वाला हो चाहे वो फ्री हो, मेरे लिए एक ही बराबर है। क्यों? वो $6 जो है उससे मुझे कुछ नहीं बनता, वो बिल्कुल टॉयलेट पेपर की तकरीबन माने थे मेरे लिए, कुछ बनता बनता नहीं है मेरा। तो अगर कोई समझे कि बड़े पैसे वैसे बनते हैं, आज कोई फेक आईडी से आया था, कोई लड़की का नाम इस्तेमाल करके फेक आईडी से आया हुआ था, तो उसने उधर लिखा है कि भाई ये $6 बेशक बनते हैं लेकिन आपके ग्रुप में इतने सारे लोग हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई करो फलाने से, तो फिर वो पाकिस्तानी इतने बनते हैं। भाई हम पाकिस्तान में नहीं बैठे हैं, हम ऐसे मुल्क में बैठे हैं जहाँ पे कायदा कवानीन के हिसाब से लोग चलते हैं। ऐसे नहीं है कि बस पैसे आके सीधे जेब में डालो। ठीक है, हमारा 50% टैक्स करते हैं यहाँ पे सीधा, उसके बाद फिर आपको थोड़ा बहुत मिलता है, फिर उसके ऊपर भी सालाना आपकी कंपनी के जो भी प्रॉफिट बचा होता है उसके ऊपर भी फिर आपका 27-25% जो है वो टैक्स करते हैं। तो हमारे यहाँ पे हिसाब किताब मुख्तलिफ है। फिर ये सारी चीज़ें आप जो सब्ट्रैक्ट करते हो ना इसमें से, तो हमारे पास पीछे कुछ नहीं बनता। तो लिहाजा ये ग्रुप इसलिए नहीं बनाया गया हम पैसे बनाए इसमें, नहीं तो मैं अगर आज वो अनाउंस करूँ कि ग्रुप बंद कर रहा हूँ, $1000 वाला ग्रुप है भाई, $1000 का ग्रुप बनाया है, जिसने आना है आ जाओ, यही लोग जो बैठे हैं उधर आ जाए और फिर आप कह सकते हो हाँ बंदा पैसे बना रहे, ठीक, सारे आ जाएंगे। और जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो अलग बात है, वो ना है बेशक, मगर अक्सर ये 60% सारे उठ के आ जाएंगे वहाँ पे। सोचो मैं रातों रात मजे से ठीक ठाक लाखों बना सकता, मगर नहीं कर रहा हूँ ना इसको। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि हमने एक गलती की थी, ये वहाँ पे हमें समझ आया कि भाई यार हम ग्रुप अगर इंसान बना रहे हो खासतौर पर हमारे जैसे लोग जो काम करते ही लोगों के लिए, तो फिर इसका क्या फ़ायदा कि आप उसको इतना महंगा कर दो कि जो बेचारे उधर बैठ के सारा दिन रो रहे होते हैं कि भाई यार हमें हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, यहाँ पे फलां है, मसला है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, काम नहीं है, कोई घर में कोई मतलब कोई खास बैकग्राउंड नहीं है, यानी घर में जो है पॉकेट मनी थोड़ी बहुत मिलती है उनको, 100-200, किसी को 500, किसी को 1000। तो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग क्या कैसे महंगे महंगे ग्रुपों में बैठे जहाँ पे आप उनसे $1000 $500 फीस ले रहे हो। ये चीज़ हमें बाद में जाके समझ आई। तो जैसे समझ आई हमने बोला बस ठीक है, वैसे भी बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते थे, हमेशा फेसबुक पे बैठे हैं लोग, सारा दिन बोलते रहते हैं कि भाई हम भी आना चाहते हैं, हमारे साथ अभी हमारी मजबूरी, हम क्या करें। तो बहुत सारे लोग बोलते थे, आखिर में हमने बोला बस ख़त्म करो किसी, तो ग्रुप इधर मुफ्त कर दिया आप लोगों के लिए, फुल टाइम मुफ्त। कोई अगर बोलता है ना कि वो $6 जो है वो पैसा, तो वो शर्म आनी चाहिए उसको, स्ट्रेट फॉरवर्ड शर्म आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो नीयत है ना उसके पीछे वो ये नहीं है। वहाँ से सिर्फ पैसे समझो कि हमारा जो 2 घंटे का काम है ना वो 2 घंटे की फीस मिलती है, जो कि हम पूरे 30 दिन हम जो काम कर रहे होते हैं वो सिर्फ 2 घंटे की फीस बनती है। ठीक, ऐसे समझ लो। यानी अगर आप पूरे 160 घंटे काम करते हो ना, 160 से ज़्यादा है 12, तो 220 घंटे जो आप काम करते हो ना, तो उसमें से सिर्फ 2 घंटे की जो फीस है ना वो है जो आप लोग महीने की फीस देते हो। ठीक है, बहरहाल ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है ना इस पर भी नाटक करते हैं, ड्रामे करते हैं कि भाई यार ये इस तरह है, उस तरह है, पता नहीं क्या है, और पैसे बना रहे हो, लूट रहे हो, ये क्यों, अजीब अजीब। अच्छा, मार्केट की बात, फोमो शोमो नहीं करें मेहरबानी करके, अपडेट्स जैसे दी जाती हैं बिल्कुल वैसे ही फॉलो करें उसको। कोई अपनी तरफ से तजुर्बे करना बंद कर दें वो अलग चीज़ है, आप जाके सीख रहे हो, कुछ सीखो, उस पर तजुर्बा बेशक करो सीखने के लिए। ये कोई फोमो के नशे में आके उधर जाके जोर नहीं मारो कि उधर 20x लॉन्ग करता हूँ, चलो 5 मिनट थोड़ा ऊपर चला गया, बस मेरा इतना प्रॉफिट हो जाएगा। जब तक क्या आपको अगर नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, फिर तो ठीक है। अगर आपने अपनी मर्जी से किया है, थोड़ा सा उस पर कोई एनालिसिस वगैरह है, कोई चीज़ों को समझे हो, चार्ट वाट समझ गए हो थोड़ा बहुत, ये वो, तो वो तो फिर अलग चीज़ है, करो बेशक, सुबह शाम करो। उसमें अगर इंसान लॉस भी करता है ना तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी हद तक सीख गया, और जब लॉस वॉस कुछ कर लेगा 4-5 बार, फिर वो और ही ज़्यादा सीख जाएगा, तो वो तो ठीक है। लेकिन वो लोग जो ये कुछ समझते ही नहीं है, ABC भी समझते ही नहीं, वो जाके बस लालच में उधर 20x लगा लिया, लॉन्ग करो उसको। 2 दिन पहले मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आया, एक बंदा 6000 माइनस है, उसके बाद एक और ट्रेड पे जो है वो 450, 4500, 3500, इस तरह कुछ माइनस था, फिर एक और ट्रेड में कोई 800-900 माइनस था। अब मुझे कहता है कि भाई यार मुझे बताएं मैं क्या करूँ। इस तरह के बहुत सारे लोग मेरे पास आए, हमेशा मैंने इनको बताया, और ग्रुप रूल्स है हमारा डिस्कॉर्ड में, फेसबुक पे लगाओ भी तो लोगों को मिलता ही नहीं, सिवाय कुछ वही पहले जो 100 लोग देख लेते हैं, उसके बाद वो गुम हो जाता है, सारा लोग देखते नहीं है। और इतने माशाल्लाह इंटेलिजेंट लोग हैं कि आज तक उनको ये पता ही नहीं है कि फेसबुक इस्तेमाल कैसे करते हैं, कि भाई ऊपर अनाउंसमेंट सेक्शन है, अनाउंसमेंट सेक्शन पे क्लिक करो, वहाँ सारे मेरे पोस्ट आ जाते हैं, किसी और का पोस्ट है ही नहीं, वहाँ सारा सारा मेरा आ जाता है। वहाँ पे मजे से जिंदा बंदा जाके अपनी मर्जी से जो पोस्ट आपने देखना है वो सीधा उधर मिल जाएगा, आप नहीं करते, तो इसलिए वहाँ पे लगाना वो फालतू है। ग्रुप में है बहरहाल डिस्कॉर्ड में कि भाई अपनी मर्जी से यहाँ पे जो तजुर्बे करेगा उसको ब्लॉक कर देंगे। इसी तरह हजार दूसरी चीज है कि जो बाइंग रेंज दी उसमें नहीं लोगे, किसी और बाइंग रेंज में लोगे जो आप अपनी तरफ समझते हो, फोमो किया तो ब्लॉक कर देंगे। हमें शौक है, बड़ा मजा आता है हमें ब्लॉक करने में। अभी तक हमने कोई तकरीबन 300-350 लोगों को ब्लॉक किया है पिछले 2 महीने में। बड़ा मजा आता है, सुकून मिलता है, क्योंकि जब आप डंडा करोगे ना इस तरह तो फिर लोग ठीक होंगे, क्योंकि सारा कुछ कर ही लोगों के लिए, तो फिर डंडा भी हमारा बनता है। लिहाजा फोमो शोमो वगैरह सब सेट, अपडेट्स आपको मिल जाएंगी आज के बाद, वैसे तो मिलती रहती हैं, आज के बाद फिर आपको जो भी मिलेंगी उस पर भी ध्यान रखें, वो ढूंढना अपने अनाउंसमेंट सेक्शन में ताकि वो आपसे मिस ना हो। और इसी तरह जो है कोई भी आपको बाइंग रेंज अगर कुछ दिया हो तो मेहरबानी करके सिर्फ उसी में उसको फॉलो करें। वही बोला भाई यार आप कार्डानो $2 पे उठाओ तो फिक्स $2 पे उठाओ, 1 सेंट आगे पीछे नहीं हो, खत्म। क्योंकि 1 सेंट नीचे हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको सस्ता मिल गया, उसका मतलब ये हो सकता है कि भाई हम $2 जो दे रहे हैं ना वो मे भी रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो उसको ब्रेक करेगा तो $2 पे पहुंचेगा ना। आप अगर उसे 1-2 सेंट नीचे देख लो तो आप बोलो यार 1.97 पे चल रहा है, चलो 3 सेंट मुझे सस्ता मिल जाएगा। वो 1.97 पे तो चल रहा है, सस्ता तो मिल जाएगा, लेकिन क्या पता कि वो अपना रेजिस्टेंस ना ब्रेक करे और वहां से हो क्या कि 1.97 से रिवर्स होकर सीधा आ जाए भाई 1.7 पे 1.5 पे, तो आप लोगों की तो वाट लग गई, ठीक। तो 20-25% मुफ्त में बैठे बैठे आपको नुकसान हो जाएगा और फिर आप लोग शोर मचाओगे कि कार्डानो के सिग्नल का तो ये हो गया, फिर बाद में जब पता चलता है फिर आप लोग एम्बेरस हो जाते हो कि भाई हाँ यार हमारा कसूर। तो लिहाजा उसके पीछे एक साइंस होती है कि भाई आप इस रेंज में उठा, इसलिए नहीं है कि आपको हम कुछ वो कार्डानो मैंने थोड़ी बनाया जो मैं आपको, या बिटकॉइन या कुछ और, कि मैं आपको जानबूझ के महंगा बेचूं कि भाई नहीं इसको 1800 पे नहीं लो, इसको 2100 पे लो, तो कोई बिजनेस तो नहीं चल रहा ना, वो मेरा थोड़ी है। तो वो इसलिए क्योंकि हमें पता चलता है या हमें पता होता है कि भाई यार आप बेशक 1800 पे ले लो, चांसेस हैं शायद वो 1900-1950 पे चला जाए, लेकिन हो सकता है वहाँ रेजिस्टेंस हो कोई, उसके बाद धड़म वापस नीचे गिर जाए और फिर ऊपर जाने में शायद उसको 1 हफ्ता लग जाए, शायद 10 दिन लग जाए, शायद 20 दिन लग जाए, क्या पता। इसीलिए और जब सही टाइम पे लेते हो ना उसको, उसका हमेशा मतलब यही होता है कि वो आपको रेजिस्टेंस के ऊपर दिया गया है कि रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, यहाँ पे आप उसको जब खरीदोगे तो आप सेफ हो। इन केस अगर वापस नीचे भी आता है तो आपको पता है कि यार ये आज नहीं तो कल दोबारा वापस ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इसने रेजिस्टेंस अपना ब्रेक किया था। हाँ वो अलग बात है कि मार्केट क्रैश हो, डंप हो, ये वो हिसाब किताब, वो अलग चीज़ है। सब नॉर्मल चल रहा हो तो वो बेशक करे, वो कभी कभी आता है नीचे रिटेस्ट करने के लिए, ठीक है, ऊपर तो चले जाते हैं, उसके बाद नीचे आता है, वापस रिटेस्ट करता है उसी रेजिस्टेंस को, फिर वो सपोर्ट बन जाता है, उसके बाद फिर दोबारा ऊपर, तो ये अमूमन होता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें आप लोग। अब आ गई थोड़ा बहुत मार्केट अपडेट की बात कि भाई ये बिटकॉइन शिटकॉइन किधर जाएगा, क्या स्टोरी है ये वो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इस चीज़ को नोट करो कि ये जो कुछ हो रहा है ना इसका कनेक्शन इससे नहीं है कि आज कोई चाइना वाला वो हो गया, चाइना में कोई बैन वैन हो गया, ये सब बकवास बात है। बेशक वो मैंने अभी सुना है, पहले जब मैंने देखा था मैं समझा कि सही से पढ़ा भी नहीं, मैं सुबह उठा हूँ, मैं आंखें वांखें अभी तक लाल है, पता ही नहीं क्या स्टोरी है, मोबाइल खोला चेक किया मैंने, मेरी आदत है सबसे पहले आप लोगों को अपडेट करता हूँ उसके बाद फिर मेरा दिन शुरू होता है। बहरहाल तो मैंने चेक किया उसको, उससे मुझे वो याद आया जो मैंने 3 जुलाई को बोला था। 3 जुलाई को मैंने जूम कॉल पे बोला था, ये जो हमारे जूम सेशंस होते हैं ना बड़े इंपॉर्टेंट है, कोई अगर खाली यही बैठ के 2-2 घंटे सुने ना तो उसको 4 साल का क्रिप्टो का एक्सपीरियंस हो जाएगा बैठे। 3 जुलाई को मैंने ये बोला था कि सितंबर में जो है ना या ये जब ये गिराना चाहेंगे ना इसको 4850 से, तो ये कोई ना कोई न्यूज़ लेके आएंगे। अब चाहे वो बाइनेंस वाइनेंस से ताल्लुक हो उसका, चाहे उसका ताल्लुक किसी और चीज़ से हो, चाहे कुछ चाइना वाइना हो, जो भी हो, ये कुछ ना कुछ जरूर लेके आएंगे ताकि वो जो पैनिक सेलिंग है ना वो क्रिएट कर पाएँ। क्योंकि सिर्फ खुद बैठ के कोई बंदा तो नहीं कर सकता ना, वो बस 4000 बिटकॉइन लिया डंप कर दिया, वो लिया 5000 डंप कर दिया, नहीं, थोड़ा बहुत खुद शुरुआत करते हैं उसकी। और वैसे भी तो उसने नीचे आना है टेक्निकली, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे 3-4 मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं जो कि एक साथ प्ले आउट कर रहे होते हैं, इसीलिए तो लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि भाई हो क्या रहा है। खाली चार्ट एक बंदा देखता है, बेशक बड़ा टॉप क्लास एनालिस्ट हो, वो सब की वाट लगी हुई आज, देख सकते हो उनको, जाओ ट्विटर खोलो जरा, जाओ यूट्यूब खोलो, कहीं भी जाओ, ये लोगों की वाट लगी हुई है। क्यों? वो खाली एक ही चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हैं बस कि नहीं भाई जो भी है बस यही चार्ट वार्ट है, जो भी है बस यही लाइनें हैं, बस इधर से उधर लाइनें खींचो। सिर्फ ये चीज़ें नहीं है, 3-4 चीज़ें। दूसरा ये कि लोग बड़े बाइस्ड, मसला क्या है, जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं ना इनका मसला क्या है, ठीक है, मसला ये है कि ये लोग जो है समझते हैं कि यार ठीक है हम जो 4 लाइनें खींचना सीख गए ना बस पूरी मार्केट समझो भाई हमें समझ आ गई। वो मेरे ख्याल से कोई उनके ईगो का हिस्सा बन जाता है कि पता नहीं क्या होता है कि वो लोग बस और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। अगर उनका बताओ कोई मैनिपुलेशन है ना तो उनको उल्टा बुरा लगता है कि भाई नहीं नहीं मैनिपुलेशन क्या, मैनिपुलेशन भाई चार्ट आपको साफ सुथरा बता रही है चीज़। वो भाई चार्ट आपको ये थोड़ी बता सकता है भी कोई बंदा अचानक बैठे बैठे हम लोग बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे कोई बंदा जाके उधर 500 बिटकॉइन बेच नहीं, चार्ट बताता है क्या आपको कि अभी 500 बिटकॉइन जो है वो कोई बेचने वाला नहीं बताता। तो जो मेरा नजरिया जो हमारा अप्रोच है सारा वो है अबाउट 30-35% चार्ट्स, बाकी सारा कुछ। चार्ट से मुराद क्या, वैसे तो सबको चार्ट ही होता है लेकिन ये जो टेक्निकल एनालिस्ट या एनालिसिस होता है जैसे आप प्राइस वाइज चेक कर रहे होते हो रेजिस्टेंस सपोर्ट वगैरह वगैरह, इसकी बात करूँ कि तब टू 35% उससे 1% ऊपर नहीं है। हमारी टोटल जो प्रेडिक्शंस एनालिसिस सब कुछ है ना उसमें सिर्फ ये 35%, बाकी वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बाकी आउटसाइड क्रिप्टो अलग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फिर आप डेट्स निकालते हो, जिसकी वजह से आप चीज़ें समझते हो, पॉसिबल मैनिपुलेशन आप समझते हो कि यार ये मोस्ट लाइकली फलां डेट पे हो सकता है, ये चीज़ फलां डेट पे हो सकती है। इसी तरह दूसरी हज़ार चीज़ें, कभी कभी उसमें कोई CME गैप वाला सिस्टम होता है तो वो देख लेते हैं हम, अलान के उसका ताल्लुक जो चार्ट के साथ होता है बिल्कुल, लेकिन उसमें कोई इतना कोई टेक्निकल एनालिसिस टाइप वाली चीज़ें नहीं है तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि हाँ भाई फलां जगह पर जो है कोई CME गैप मिसाल के तौर पर, तो आप अंदाज़ा लगा लेते हो कि भाई यार ये जो है इसको दोबारा नीचे के लिए क्या आएंगे क्योंकि वो CME गैप जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई फालतू चीज़ है बस हो गया ख़त्म छोड़ दो भूल जाओ, ऐसा नहीं होता। कभी कभी कोई CME गैप होता है जो कि फिल नहीं हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ बिटकॉइन के CME गैप जो है ना मुख्तलिफ प्राइजेस पे, इसी तरह इथेरियम के 200 भी है, 500 भी है, 800-900 पता नहीं किधर किधर है, बहुत सारे हैं। इसी तरह बिटकॉइन के भी है 32,000 पे, 34,000 पे और पता नहीं किधर किधर है, 13,000 पे, 9,000 पे। एक दिन आपको बताऊँ ये सारे के सारे CME गैप्स फुल हो जाएंगे, मैं आज बता रहा हूँ आपको, डेट लिख लो। अब चाहे इसमें 6 महीने लगे, चाहे इसमें 2 साल लगे, चाहे इसमें 1 साल लगे, 1.5 साल, 2 साल, जो भी लगे, एक दिन वो जरूर फिल होंगे, गारंटी करता हूँ, बेशक 4 साल लग जाए। यानी कहने का मकसद क्या है कि अगर बिटकॉइन के 400 पे है ना कोई CME गैप, एक दिन वो 400 पे आएगा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2 वजूहत, एक तो बताऊँगा कि ये तो, और दूसरा नहीं बताऊँगा। पहले तो ये कि जो आपके CME गैप्स वगैरह ना जो 400 पे अगर बड़ा गैप, तो आप ये सोचो कि वहाँ पे एक ग्रुप है बड़े अच्छे बच्चों वाले अंदाज में, वहाँ पे एक ग्रुप है जिन्होंने बड़ा पैसा लगाया, वो लोग लॉस में बैठे। अब वो लॉस में जो है अगर उन्होंने नहीं बेचा ना तो एक ना एक दिन वो प्राइस दोबारा नीचे लेके आएंगे, ठीक है। ये बड़े बच्चों वाले अंदाज में मैं समझाया कि लोग समझ जाएं कि ये होता क्या। अच्छा, बहरहाल तो फिलहाल जो चल रहा है हमारा बायस जो था जून से 29 जून, इसी तरह 25 जून, 29 जून, फिर 3 जुलाई, 4 जुलाई, ये उस ज़माने के एनालिसिस वगैरह हैं जो अब तक चल रहे हैं। यानी उस टाइम के बाद हमने कोई ऐसा नया खास अपडेट नहीं किया सिवाय इसके कि हमने बताया लोगों को, कोई जुलाई में बताया था कि जो पहले 2 हफ्ते हैं आपके सितंबर के उधर मार्केट क्रैश हो जाए, ठीक है, फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक, ये मैंने कहा था। अब जुलाई 3 का टाइम था, आज सितंबर आपका ख़त्म होने वाला है, कुछ ही दिन रह गए, उस जमाने में कहा था। उसके बाद फिर हमने उसी पे बिल्डअप किया, वही एक जो अपडेट थी उसी पे हमने बिल्डअप किया, तो कोई खास नया कुछ किया नहीं हमने। क्यों, हमारी जो हमारा तरीका है अपडेट करने का, मार्केट अपडेट्स, वो ऐसा नहीं है कि आप हर रोज जाके बच्चों की तरह लोगों को बताओ वो बिटकॉइन 40,000 पे यार बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, फलां है, अगर फ्लिप हो गया फलां हो जाएगा, वो नहीं 42,000 चेक करो, वो नहीं 40,000 चेक करो। ये बच्चों वाले काम हम नहीं करते, बिल्कुल कभी भी नहीं करते, और लोग जो है ना हमारे इस अंदाज से आदी हो गए, वो बड़ा यूज्ड हो गए, उसको मज़ा भी आता है लोगों को, ये बजाय इसके कि आप जाओ सारा दिन जैसे बहुत सारे दूसरे करते हैं। हालांकि नॉर्मल चीज़ है, कोई इसमें बुराई नहीं है कि आप रोज़ाना जाओ या अगले हर दूसरे दिन आप जाके लोगों को अलग से बोलो कि भाई अच्छा अभी 40,000 पे आ गया ना, अच्छा भाई 38,000, 39,000 बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो कोई बुराई नहीं है इसमें। बस ये है कि हम लोग क्योंकि हमें पता होता है 2-2 महीने पहले, इसलिए हम लोग ज़रूरत महसूस नहीं करते हैं कि रोज़ाना आप जाके वही एक बात बताओ, फ़ायदा नहीं है उसका, सिवाय इसके कि अगर कोई डेट्स बदलना है। मिसाल के तौर पे 6 सितंबर बोला था डंप हो जाएगा, 6 से 20 तक जो पीरियड है उसमें शिट शो चलता रहेगा। जैसे 6 तारीख हुआ धड़म बिटकॉइन नीचे, 7 तारीख धड़म नीचे, 8 धड़म नीचे, फिर थोड़ा साइडवेज, फिर थोड़ा ऊपर, उसके बाद फिर धड़म नीचे, ये 20 तारीख तक ऐसे चलता गया। उसके बाद फिर आपको और डेट्स दिए, इसी तरह ये भी बोला था कि भाई 9 से 13 अक्टूबर, तो किसी ने पूछा था कि भाई यार अगर अभी 20 सितंबर तक आपने कहा था, उसके बाद आपने 9 से 13 अक्टूबर जो है वो बताया, तो ये 20 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक तो क्या ठीक हो जाएगा? तो मैंने कहा नहीं, दरअसल शिट शो तो दरअसल पूरा टाइम चलता रहेगा, यानी 6 सितंबर से लेके आपका 13 अक्टूबर तक पॉसिबल शिट शो वहाँ तक चलता रहेगा। लेकिन जो मेन चीजें थी ना, जो मेन जहाँ पे आप बिल्कुल ज्यादा ये झटका ले लेते, वो था वो छः वाला जो शेष शुरू होना, जिधर वो बिटकॉइन 53 से तकरीबन 52,800 पे था, यानी 53,000, वहां से गिरा नीचे दड़म 40-41,000 पे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा झटका था, तो उससे लोगों को बचाना था, मेन तो वो था। बाकी ये जो छोटा मोटा अगर होता है 2,000, 4,000, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो अमूमन होता रहता है। वो अलग बात है कि अगर आपको पहले से अगर पता हो तो आप उसका फायदा उठा सकते हो, क्योंकि आप प्रॉफिट वगैरह निकाल के साइड पे हो जाते हो। फिर आप बोलते हो मार्केट को, भाई जो करना है करो, जितना तुमने नीचे जाना है नीचे जाओ, जो भी करना है करो, आप साइड पे होते हो। उल्टा हम लोग कॉल पे बैठ के हाजिर होते हैं, ठीक। तो मजा आता है इंसान को, क्योंकि आपको पहले से पता होता है कि भाई आज के बाद जो एक 2 महीने और बचे हैं, तो फलां 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 डेट में जो है क्या होने वाला, तो इसे आप उसका फायदा उठाते। इसी तरह वो 13-14 सितंबर वाला भी सारा था। बहरहाल, तो थोड़ा और टाइम बाकी, ठीक। और ये अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, अभी कोई वैसे नई बात नहीं है, बात तो वही है जो मैंने पहले भी बताई है, लेकिन वो फिर से बताता, शायद वो फेसबुक वाले लोग बैठे हों तो उनको नहीं पता। थोड़ा और टाइम बाकी है बस, ये शिट शो जो है ना अनकरीब खत्म होने वाला। ज्यादा हो तो आज आपसे ले लो, आज क्या डेट है, आज 24, ज्यादा हो तो 24/6 हो गया आपका सितंबर खत्म, 6 दिन। उसके बाद आप 9 से 13 जो अक्टूबर दिया, 13 तो आप ले लो, 13, 19, 25 दिन ले लो, ज्यादा से ज्यादा 25 दिन और, बस थोड़ा तामुल, थोड़ा सा बस इसी तरह थोड़ा लगभग चलता रहेगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा पता नहीं क्या। तो अनसर्टेनिटी सबको गंग्स करना है, मेन मकसद यही है। जो कंट्रोल करते हैं ना मार्केट को, उनका मेन मकसद ही इस बार यही, स्पेशली इस साल, क्योंकि उन्होंने मार्केट को ना उसका जो टाइम ड्यूरेशन एनालिसिस आप करते हो ना, ये इसके लिए 40 साल आप पीछे जाना पड़ता है। अब 40 साल पीछे क्रिप्टो तो था नहीं, तो आप किधर जाते हो, आप स्टॉक मार्केट में घुस जाते हो। आपको मैं थोड़ा सा एक हिंट देता हूँ, किसी को मैंने बताया था एक जमाने में चैट में, मुझे नहीं पता वो फोन पे है या नहीं है, उसको याद हो। आप जब इतना अरसा पीछे जाते हो तो वजह क्या है? अगर कोई बंदा समझता है कि यार मार्केट अपनी तरफ से जाता है, जैसे मैंने शुरू में कहा कॉल के, तो बहुत बेवकूफ इंसान, मगर उसका कसूर भी नहीं है, क्योंकि जाहिर है उसका तजुर्बा नहीं है, तो फिर उसका कसूर भी नहीं। मगर ये बेवकूफ़ी है कि इंसान ये समझे कि सब कुछ बस खुद ही हो। बेशक के जो भी पैसा वैसा आ रहा है मार्केट में, जो भी हो रहा है, निकल रहा है, आ रहा है, उसका एक जरूर असर तो होता है, मगर इन द लॉन्ग रन उसका असर नहीं होता, वो तो शॉर्ट टर्म होता है। कि आज किसी ने बिटकॉइन 500 बेच दिया, या आज किसी ने 500 बिटकॉइन खरीद लिया, उसका ताल्लुक तो सिर्फ आज से है ना, उसका ताल्लुक कोई 10 दिन बाद से थोड़ी है। जिस चीज़ की मैं बात करूँ ना, उसका ताल्लुक उस दिन तक है जब तक बिटकॉइन रहेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है ना, कि आप ऐसी चीज़ आप समझ लो कि जिसका ताल्लुक जो है वो बिटकॉइन के जब से शुरू हुआ है और जब तक वो ख़त्म हो जाएगा, तब तक उसका ताल्लुक रहेगा। और वो क्या है कि ये पैटर्न्स हैं, अगर कोई समझ जाए ना। अब मैं दूसरा ट्रेंड सेट करने वाला हूँ, एक ट्रेंड तो मैंने ऑलरेडी सेट कर दिया, जो भी लोग हमारा सिस्टम चुराते हैं सारा, और शुरू हो गए वो भी डेट वेट देना शुरू हो गए लोग इधर उधर, ये ट्रेंड सेट हो गया, क्योंकि इतना ऊपर ले गए हम लोग बार को, कि अभी वो लोग हमारे साथ अगर कम्पीट करना चाहते हैं ना, तो उनको उतना ऊपर आना पड़ेगा। अब उनको आता तो है नहीं, बस वो हमसे चोरी वोरी करते। अब यहाँ पे एक और बता रहा हूँ, वो भी शायद कॉल पे बैठे होंगे, काफी सारे टट्टू सुन रहे होते हैं। पैटर्न्स जो है ना वो रिपीट होती, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। अगर कोई बंदा इसको जाके स्टडी करे सही से, अगर समझ जाए ना, तो बैठे बैठे क्रिप्टो का बाप बन जाएगा। पैटर्न्स रिपीट होती, शुरू हुआ है आपसे 40 साल पहले से। डेटा उठा लो आप पूरे 40 साल स्टॉक मार्केट का, आज से लेके पीछे 40 साल आप इनके पैटर्न्स स्टडी करो। हर किस्म के कॉइन्स आप उठा लो, पुराने नए, ये वो शेयर्स वगैरह, बारह कॉइन्स नहीं होते, शेयर्स होते हैं, स्टॉक्स वगैरह, उनको आप स्टडी करो। इतनी सिमिलैरिटीज आपको मिलेंगी, आप गंग हो जाओगे कि यार ये क्या स्टोरी, हैरान परेशान हो जाओगे। बहुत सिमिलैरिटीज आपको मिलेंगी, उसी को फिर आप कंपेयर करो क्रिप्टो के साथ, उसको कंपेयर करो। हर एक कॉइन का, जो भी कॉइन आज तक आया है इधर आपके क्रिप्टो में, सिवाय उन कॉइन्स के जो ऐसी शिबू टीबू टटू पटू, ये जो बस आज पता नहीं क्या अचानक से आया और चला गया, शूट एकदम ऊपर रॉकेट हो गया, धड़म नीचे, पता ही नहीं क्या हो रहा है, या कुछ इस तरह वो रॉकेट मून है कि सेफ मून है कि क्या स्टोरी, इस तरह के ये स्कैम कॉइन्स, बकवास चीज़ों को साइड पे करके ये जो सही सही कॉइन्स हैं, इनको टॉप 10, टॉप 20, 30, 40, 100, 150, 200, ये टॉप 200 रैंक में जो कॉइन्स उठा लो, कंपेयर करो इनके साथ। कब से कंपेयर करना है? उस दिन से जब बिटकॉइन शुरू हुआ है, उस दिन से जब इथेरियम शुरू हुआ है, उस दिन से जब कार्डानो शुरू हुआ है, XRP वगैरह वगैरह, कंपेयर करो। आपको ऐसी सिमिलैरिटीज मिलेंगी, आप हैरान हो जाओगे। अब जब आपको मिल गई सिमिलैरिटीज, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ना कि इसके बाद क्या होने वाला। फर्क सिर्फ ये है कि इसके ऊपर आपको 1 साल मेहनत करनी है, बस खत्म, ज्यादा बात नहीं। 1 साल मेहनत करो इसके ऊपर, या अगर ज्यादा अगर कम करना है 6 महीने में कर लो, तो फिर दिन के 20 घंटे हमारी तरह काम करो, 6 महीने में आप एक्सपर्ट हो जाओगे, बैठे बैठे लोगों को समझा रहे होगे कि फलां चीज जहाँ पे जा सकता है, फलां चीज उधर। दुनिया में सिवाय में भी कुछ लोगों के, और वो भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम जानते नहीं है, हर कोई तुम्हारे टट्टू नहीं होता दुनिया। शायद होंगे कुछ लोग जो जून के महीने में कह रहे होंगे कि भाई हम ऊपर जाएंगे, शायद होंगे। सारी दुनिया हैरान परेशान कि नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। कोई बोल रहा 28,000, कोई बोल रहा 27,000, कोई बोल रहा 25,000, कोई 20, कोई 13, कोई क्या। उधर मैंने जो इतने कॉन्फिडेंस से बोला था कि भाई हो ही नहीं सकता क्या नीचे जाते, गए भी तो हम विक मारेंगे सीधा ऊपर। विक मारना वो एक अलग चीज होती है, उसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट नीचे चलेगी, वो एक विक होता है, वो स्कैम विक बोलते हैं उसको। या ये कि वो लॉन्ग्स वगैरह लिक्विडेट करने के लिए वो एक विक मार दिया नीचे और खत्म स्टोरी, भाई आप लिक्विडेट हो गए, आपको स्टॉप आउट हो गया यानी आपका ट्रेड, और उसके बाद वापस ऊपर। क्या वजह थी कि सारी दुनिया के अगेंस्ट जाके जब सबकी जो है वाट लगी हुई है, ठीक, सब हैरान परेशान है, डर के बैठे हुए हैं, लोग बेच रहे हैं, पैनिक सेलिंग शुरू, हर चीज। हम कह रहे हैं हो ही नहीं सकता भाई आप प्रीवियस लो से नीचे जाते हो। प्रीवियस लो क्या था? 28,000। हमने कहाँ से बाउंस किया? 29,000 से। ठीक है, क्या बोला था कहाँ पे जाएंगे कि भाई हो ही नहीं सकता कि हम जो है नीचे जाते हैं, मगर हम जाएंगे बिटवीन 43 to 48, और अगर गिरना हुआ तो फिर वहां से गिरेंगे। ठीक, फिर 18 जुलाई को ये भी बोला था कि 50। अब ज्यादा फर्क तो नहीं है ना, 48 हो या 50 हो तो फर्क क्या पड़ता है। मेन जो जैकपॉट था वो तो मार दिया ना हम लोगों ने, जो आप 20,000 ऊपर चला गया वो मेन जैकपॉट तो मार दिया। अब वो 2,000 ऊपर हो या नीचे, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो भी था एग्जैक्ट हुआ, तो जैसे प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल वैसे ही हुआ। सारी दुनिया हैरान परेशान, बिटकॉइन ऊपर। क्यों? वजह क्या है इसकी? कोई चार्ट बता रहा था क्या? चार्ट वार्ट थोड़ी बता रहा था आप लोगों को। लोगों ने तो बाद में एकदम से शिफ्ट किया अपना नैरेटिव, एकदम शिफ्ट किया। जैसे वो बाउंस किया 31,000 ब्रेक किया, उन्होंने शुरू हो गया सारे कि बॉटम हो गया, बॉटम हो गया। वो ऐसे ही है जैसे ट्विटर पे अभी 4 दिन पहले बोल रहे थे बॉटम हो गया, अब देखो क्या हुआ। ठीक है, तो इस तरह के जो लोग थे बाद में, वो जो फिर एकदम अपना वो ओपिनियन बदल देते हैं, उनको तो आप लोग काउंट ही नहीं करो, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े बैठे हैं ट्विटर पे, 3 लाख वाले, 4 लाख वाले। 1-2-3 दिन पहले जो है मैं बड़ा गुस्से में आया उधर, क्योंकि मैं जब देख रहा होता हूँ कि यार हमारे पास 3,000 लोग हैं और हम लोग इनको ऐसे लेके चलते हैं जैसे कि ये पता नहीं हमारे घर के लोग हैं, इनके साथ खून का रिश्ता। तो जब मैं उन लोगों को देखता हूँ कि जिनके 3-3.5-4 लाख फॉलोअर्स हैं, और वो गधे के बच्चे सारा टाइम बोल रहे होते हैं डिप उठाओ, डिप उठाओ, डिप उठाओ, डिप उठाओ। भाई तुम्हारे बाप का डिप उठाओ। अब मिलेनियर है क्या वो सारे, वो जो हर 5 मिनट बाद डिप उठाओ, 5 मिनट बाद डिप उठाओ, बॉटम हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। तो काफी देर टाइम से उसको मैं देख रहा हूँ, तो दिमाग घूम गया मेरा उधर जाके। मैंने उसको टाइट गाली, मेरी आदत नहीं है वैसे, मगर उसको इंग्लिश में टाइट किया मैंने, क्योंकि बड़े गधे के बच्चे हैं ये, आप लोगों के पैसे वैसे ये वो, उसका बिल्कुल ख्याल नहीं। तो आप लॉस करो, जो भी करो, उनका क्या। वो तो कहते हैं बस ठीक है भाई आप हमारे ग्रुप में आ गए, या हमारा ट्विटर है, ये वो जो भी है, फॉलोअर्स बढ़ गए, नाम बन गया, बस खत्म। उनका उन्हीं से ताल्लुक है, आपसे कोई ताल्लुक नहीं। इसीलिए एडवाइस करता हूँ, मेहरबानी करें आप लोग जब जाते हो ना इस तरह के टट्टू लोगों को फॉलो करने, तो ये नहीं देखो कि उसके फॉलोअर्स कितने, ये देखो कि बंदे का कॉन्टेंट जो है वो क्या है, और कितनी बार सही हुआ है, कितनी बार गलत हुआ है। थोड़ा जांच पड़ताल कर लिया करो। क्यों? क्योंकि आप लोगों का ही उसमें नुकसान है और आप लोगों का ही फायदा है। तो अपने फायदे नुकसान के लिए इंसान को थोड़ा सा सोचना चाहिए, और खासतौर पे पाकिस्तानियों बड़े गरीब लोग हैं। 80% जो बैठे हैं बड़े गरीब लोग हैं, खाली 20% है कुछ के जिनका कोई 2-4 हज़ार डॉलर से ऊपर है पोर्टफोलियो, बाकी सारे वही हैं जो किसी का 1000 से नीचे, किसी का कुछ। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी अंधाधुन जाके किसी को फॉलो करके उसकी बातों पर पैसे नहीं डाले, नहीं तो वाट लग जाएगी। फिर उसके बाद आपको टीका लगाने के लिए या पट्टी लगाने के लिए फिर हम जैसे लोग मिलते हैं, वो भी बड़े किस्मत से। आपका कोई किस्मत हो तो फिर हम मिल जाए, डिप उठाओ, डिप उठाओ, डिप उठाओ। यही सीन आप लोग जो है ना, जब कोई इस तरह करता है ना, समझ जाओ कि ये वो गधा है कि वो हर दूसरे दिन बोलता है बस बॉटम हो गया। ये कर रहे हैं सारे, वो क्रिप्टो बर्बी के नाम से, कि क्रिप्टो बर्ब है वो है, बैठा है उधर 3.5 लाख फॉलोवर्स उसके। एक दूसरा माइकल शाइकल नाम का बंदा है, वो 4 लाख फॉलोवर्स उसके। वो सारा टीम, यही हाल है उनका। बिटकॉइन 4,000 नीचे आया, वो नहीं टेंशन नहीं है डिप उठाओ। उसके बाद 2,000 ऊपर जाके 4,000 फिर नीचे जाता है, नहीं टेंशन नहीं है डिप उठाओ। वो जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, ये करते हैं ये लोग अपने लोगों के साथ। ठीक, आप लोग शायद जानते होंगे इनको। तो मेहरबानी करें थोड़ा सा इनसे दूर रहें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लॉस किया भी इसी वजह से, क्योंकि हर किसी की बात सुनते रहते हैं। मत किया करें, ये स्पेशली फेसबुक वालों को बता रहा हूँ जो कि हमारे साथ नहीं है। तो आप लोग ये काम नहीं किया करें, और यकीन करें अगर आप थोड़ा इंसान बनोगे ना, ये चीज़ें समझ जाओगे, तो ऐसे समझ लो कि भाई आपका 30% लॉस जो है ना बच गया, वैसे बैठे बैठे बच गया, ऐसे बच गया, सिर्फ इस वजह से कि आप समझ गए हो कि भाई यार ये जो टट्टू लोग होते हैं इनको फॉलो नहीं करो। तो बार बार ये उठा लो, इधर से उठा लो, वो उठा लो, ये डिप, बॉटम शॉटम, पता नहीं, दूर रहें। तो मेन जो था जो मैंने कर दिया मार्केट अपडेट्स वगैरह, थोड़ा हौसला करें, टेंशन नहीं लें इस बात की कि भाई हाँ अपना बिटकॉइन नीचे आया या साइडवेज जा रहा है, जो भी जा रहा है, तो आप लोग जो है यानी क्या बोलते हैं उसको, हौसला पस्त हो गया ना, यानी आपका हौसला। और तो देखें हमेशा जो है ना जब अच्छा टाइम आता है ना क्रिप्टो में, वो आता ही उसी टाइम में जब लोगों की फुल वाट लगती साइकोलॉजिकली। बिल्कुल ये ट्रिक होते हैं जो ये खेल रहे होते हैं लोगों के साथ, ये इन्वेस्टर्स के साथ, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ ये ट्रिक होता है जो ये लोग खेल रहे होते हैं जानबूझ के। मार्केट को इतना ये लोग साइडवेज लेके जाओ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, धड़म नीचे, कभी कभी थोड़ा ऊपर, वो लोग एकदम बोलते हैं बस ठीक है बॉटम हो गया उठा लो, सारे जाके उधर मक्खियों की तरह, मच्छर की तरह, चिंटियों की तरह उसके ऊपर पड़ जाते। वो थोड़ा ऊपर जाते ही धड़म वापस नीचे। हुआ है ना कितनी बार, हजारों बार हुआ है, पिछले 2 महीने से ही 1000 बार हो गए। ठीक है, तो ये लोग करते हैं ऐसी जानबूझ के ताकि आप लोगों के फुल वाट लगाएं। उसके बाद फिर ये लोग अपना आखिरी जो मूव मारना है ना, आखिरी इक्का फेंकना है, तो वो आखिर में जाके फेंकते हैं। अब वो इक्का फेंकने का टाइम आने वाला, 50-60% तकरीबन आपका ये जो शिट शो था ना ये खत्म हो गया, कोई 40-50% अभी बाकी है। ठीक है, मेरे हिसाब से बिल्कुल वही है, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि मैं बोलूँ यार मेरा जो बायस है ना 2 महीने पहले का वो चेंज हो जाए। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। बिटकॉइन बेशक 54 पे चला जाए, मेरा बायस जो है बिल्कुल वही है, अनलेस कि हम 58 क्रॉस करते हैं और उसके बाद हम 65 ब्रेक करते हैं, फिर कहूंगा बस ठीक है यार बुलिश हो गया। वो भी उस टाइम पे के 65,000 ब्रेक करने के बाद 3-4 डेली क्लोज एटलीस्ट उस लेवल पे चाहिए, 3-4 डेली क्लोज। ये काफी नहीं है मेरे लिए, वो एक डेली क्लोज मार दिया धड़ाम, बस थोड़ा 5-6 हजार ऊपर गया, वापिस आ गया 20,000 नीचे। 3-4 डेली क्लोज चाहिए उस लेवल या उससे ऊपर, फिर आप कहते हो हाँ भाई ठीक है बुल मार्केट शुरू। बुल मार्केट आपका शुरू ही उसी टाइम होना है। कोई अगर समझता है हम कोई बुल ट्रेंड में है, अगर कोई समझता है कि हम लोग कोई बुल रन अभी चल रहा है, तो वो आप लोग अपने साथ ज्यादती कर रहे हो, हमारा उससे कोई नुकसान नहीं। तो मेरा काम आपको समझाना है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ जितना समझा सकता हूँ समझाओ। ये सोच के मत इन्वेस्ट करें अभी ऑलरेडी कि हाँ भाई बुल रन, कोई बुल रन शुल रन नहीं है, कुछ भी नहीं। जाके पीछे देखो जरा आप लोग जो मेजर कॉइन्स है आपके, अभी तक कुछ किया ही नहीं उन्होंने। लाइटकॉइन किधर बैठा है, बिटकॉइन कैश किधर बैठा है, बहुत सारे दूसरे कॉइन्स हैं जो मेजर कॉइन्स हैं जो इंडिकेशन इसी चीज देखे। बुल रन आपका खत्म ही नहीं होता तब तक या शुरू ही नहीं होता जब आप देखो कि यार आपके बुल रन यानी उसका स्टेज 1 हो गया। बुल रन का 2 होते हैं ना, स्टेज 1 स्टेज 2, फिर हर स्टेज में 3 फेज होते हैं, फेज 1 फेज 2 फेज 3। भैया आप इसको जब जाके कैलकुलेट करो या उसको एनालाइज करो तो आप तो गंग हो जाओ। फेज 1 क्या होता है, मेजर्स ऊपर जा रहे हैं, फेज 2 मिड कैप्स, फेज 3 स्मॉल कैप्स। क्या हुआ अभी तक? ये तो पूरा इन्होंने टाइम ड्यूरेशन के साथ मजाक करके रखा है ना, इसीलिए लोग कंफ्यूज हो गए। हकीकत तो अभी तक कुछ खास हुआ ही नहीं। आल्ट कॉइंस यस, आपका मिनी आल्ट सीजन आपका चला है ठीक ठाक, या आल्ट सीजन बहरहाल चला आपका सही है, लेकिन बहुत सारे जो मेजर कॉइंस हैं इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। और आप ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर कोई बंदा बोले कि इसके अगेंस्ट अगर आपने आर्गूमेंट पेश करना है तो वो आर्गूमेंट ये तो नहीं होगा ना कि चलो खैर है यार, अगर बिटकॉइन कैश या फलां कुछ 4-5-6 अगर मेजर कॉइंस अगर ऊपर नहीं गए तो बाकी तो पूरी मार्केट ऊपर तो गई है, तो बस ठीक है ना बुल रन हो गया शायद। नहीं हुआ है। गरसरा बिल्कुल गलत है, वो थ्योरी गलत है। जब आप देखोगे ना कि ये कॉइंस मूव करना शुरू हो गए तब आप समझो कि या तो बुल रन अभी आप शुरू हो रहा है या फिर शुरू होने वाला। ठीक, यहाँ पे भी मैंने आपको एक इंडिकेशन दे दी और यकीन करो बिल्कुल ऐसी होगा। एक बार जो बोल दिया बस वैसे ही होगा, अब चाहे उसको होना था या नहीं होना था, अब तो हो जाए। कंफर्म गारंटी ले लो, लिख लो नीचे अपना नाम, लिखो मेरा नहीं लिखो, खामखा कल को फंस गए फिर मैं फंस तो बहरहाल नजर रखें आप लोग, मेजर्स पे नजर रखें। ये छोटे छोटे बच्चों को छोड़ दे कि वो सोल इतना ऊपर गया, फलां गया फलां गया। वो सोल भी जानबूझ के इतना पंप किया ना, उसको सोल को जानबूझ के इतना दबा के पंप किया। बहुत सारे लोगों की जो वाट लगी है ना सोल में, ये छोड़ दें कि वो ऊपर कितना गया था, ये सोचें कि उसके ऊपर जाने की वजह से जो फोमो हुआ था वो कितना था और उसकी वजह से जो लोगों ने लॉस किया वो ज्यादा था या जो उन्होंने प्रॉफिट किया वो ज्यादा था। तो आपको पता चलेगा कि उसके ऊपर जाने की वजह से लॉस ज्यादा लोगों ने किया, प्रॉफिट कम लोगों ने किया। प्रॉफिट तो उन स्मार्ट लोगों ने किया जिन्होंने, एक तो ये कि उन्होंने ऊपर उसको भेजा है, दूसरा ये कि बड़े कम प्राइस पे लिया। जैसे हमारा तो बड़ा फायदा हुआ ना। अब मैं तो सोल लूना उस जमाने से आप लोगों को दे रहा हूँ जब आप लोग कोई मतलब किधर था वो, कोई $5-10 पे था, कोई $15 पे था, इस तरह के प्राइसेस। बीएनबी भी मैं यकीन आता आप लोगों, बीएनबी मैंने आप लोगों को $20 पे दिया, $20 पे दिया, टारगेट था 600, बिल्कुल 600 पे के। वो पोस्ट पड़ा हुआ है, मैं उसको स्क्रीनशॉट डालता हूँ। तो इसी तरह बहुत सारे दूसरे थे। तो हम जैसे लोगों ने तो ठीक है फायदा किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो है लाखों के हिसाब से वो उन्होंने तो बड़ा फोमो किया, किसी ने 150 पे उठाया, किसी ने पता नहीं 170-80 पे उठाया, फिर सोचा ये जाएगा 300 पे जाएगा, पता नहीं किधर जाएगा, वो आगे नीचे दड़म 110-120 पे पता नहीं किधर ऐसे कुछ आया, तो लोगों की वाट लग गई। और फ्यूचर ट्रेड्स पर जो लॉस किया वो अलग, स्पॉट पे जिन्होंने फोमो करके लिया था फिर बाद में बेचा वो अलग, दोनों को कंबाइन कर लो ये उतना लॉस बनता है ये जितना लोगों ने प्रॉफिट भी नहीं किया अभी। हाँ EGLD को ही बता रहा है जी, BNB $40, EGLD $40, ये इस किस्म के प्राइजेस पे। कार्डेनो तो आप लोगों को 12 से 15 सेंट पे दिया था उस जमाने में, वकार के ग्रुप में दिया था, डेट भी बताया आपको, डेट बताया कि भाई ये 15-17 जनवरी, वो मेरा ट्वीट पड़ा है, किसी ने अगर शोगल के लिए जाके चेक करना है चेक कर लो, ट्विटर पे जाके आप लोग ये देखो कि आपको कार्डेनो देने के बाद मैंने डेट दिया था कि आज के 2 हफ्ते बाद फलां डेट पे कार्डेनो की प्राइस यही होगी, 2 हफ्ते बाद उसी डेट पे वही प्राइस थी, जाके देख लें उसको, स्क्रीनशॉट से साथ सब कुछ वो पड़ा हुआ है बस ट्विटर पे। इसी तरह फिर कहा था कि मार्च में $1 का हो जाएगा, उस जमाने में कार्डेनो कोई जानता भी नहीं था, पूरे पाकिस्तान में मशहूर हमारी वजह से हुआ था, हर पाकिस्तानी उसके बाद आके कार्डेनो। मेरा जो पोस्ट था जहाँ मैंने लिखा था इट विल शॉक द वर्ल्ड, वो पोस्ट इतने सारे ग्रुपों में चला गया था कि आपकी सोच, हमें वैसे बड़ा मजा आ रहा था क्योंकि वो हमारी वजह से वायरल हो गया। लेकिन कहने का मकसद ये कि उन लोगों ने फायदा तो किया जो उन्होंने बिल्कुल बच्चों वाली प्राइस पे उठाया, लेकिन जिन लोगों ने जो है ऊपर जब चला गया बहुत ज्यादा 200 पे गया, 180-70 जो भी था, काफी सारे लोगों ने लॉन्ग वॉन्ग भी किया, उसको स्पॉट पे भी लिया, फोमो किया ना, तो देखिए इनसे आपको सीखना चाहिए कि फोमो करने के बाद इंसान खाली वाट लगती है उसकी, कोई फायदा वायदा नहीं है, कभी कभी किस्मत हो जाए आपकी तो आप कोई फायदा कर लो, अदरवाइज आपका लॉस ज्यादा होता। तो प्लीज एक कम्युनिटी जो हम लोग बना रहे हैं ना, जो इधर इतना जोर लगा रहे हैं आप लोगों के लिए, इसमें मेरा फायदा नहीं है, मैं तो फ्री में भी चीजें दे रहा हूँ ना आपको, कि आप ये भी नहीं कह सकते हो कि यार ये बंदा जो है कोई 100, 200, 400, 1000, 4000 डॉलर ले रहा है हमसे, नहीं कर रहा हूँ ना, मैं से कर सकता हूँ ना बड़ी आसानी से, मेरा क्या। मगर जितना जोर लगा रहे हैं ना आप लोगों के लिए, मैं बैठा हूँ, मॉडरेटर्स बैठे हैं सारे, फ्री में भी फेसबुक में बैठे हैं, ट्विटर पे, इधर उधर हर तरफ गाइडेंस मिल रही है आपको, कोई कह ही नहीं सकता कि यार ये अगर वहाँ पे हमारे डिस्कॉर्ड में अगर दे रहा है तो फिर फ्री में नहीं दे रहा, फ्री में भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, इसको सीरियस लें। ठीक, बड़ा अच्छा टाइम इसके बाद आने वाला है, वो इतना लंबे अरसे के लिए मेरे ख्याल से नहीं आएगा जो बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि यार ये बिटकॉइन जो जाएगा 2 लाख 2 लाख पे, मुझे नहीं लगता कि ये जाएगा 2 लाख पे या 1.5 लाख पे, बिल्कुल नहीं लगता, जब तक कि हम 65,000 ब्रेक करके 3-4 डेली क्लोज मिनिमम। देखें यह बड़ी अजीब चीज़ है जब कोई बंदा इस तरह बात करता है कि यार वो फलां लेवल ब्रेक करेगा तो फिर इतनी बार डेली क्लोज करे, ये शायद आप लोग कभी किसी दुनिया में किसी से नहीं सुनोगे, मगर मैं मुझसे अगर सुन रहे हो तो इसके पीछे वजह है, इसके पीछे एक साइंस है। जब तक नहीं करता ना, मेरे मुंह से कभी नहीं सुनोगे कि बुल मार्केट शुरू। अप ट्रेंड एक और चीज है, शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड, वो तो अप ट्रेंड तो वो समझो वो भी था ना जो हमारा 29,000 से बिटकॉइन 40,000 पे आ गया, वो भी तो कोई बुल रन तो नहीं था ना, तो अप ट्रेंड था वो, ठीक है आ गया भाई, खत्म स्टोरी। अब इसके बाद जब यहाँ 40,000 से या 40-45 जो भी है, अगर इधर से भी जाता है वो 65,000, तो आप टोटल ले लो 29,000 से बहुत ऊपर चला गया, बुल रन है मेरे हिसाब से, बिल्कुल बुल रन है। क्योंकि बुल रन आप कैलकुलेट कैसे करते हो, ये तो उस पर डिपेंड करता है, वो अलग चीज़ आप बोलो अच्छा 40,000 ऊपर चला गया यार ये तो, मगर टोटल आप उसकी कैलकुलेशन करते कैसे हो और बुल रन को समझते कैसे हो, और साइकिल जब जो उसकी थ्योरीज होती हैं, जो उसको एनालाइज करते हो, मार्केट साइकिल्स को, मार्केट स्ट्रक्चर्स को, ये सारी चीज़ों को आप कैसे समझते हो। ये जब समझ जाते हो ना सब चीज़ों को, फिर आप लोगों के लिए फ़र्क नहीं पड़ता अच्छा यार फलां चीज़ 10,000 ऊपर चला गया, 20,000, 30,000, आप वो मेन चीज़ों को समझ जाते हो, फिर आपको आसानी से उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि हाँ भैया क्या ये बोल रहा था, क्या नहीं था, या डाउन ट्रेंड है, क्या अप ट्रेंड है, कि क्या स्टोरी है, इसके साथ कैसे डील करना। तो बीच बीच में फ़ायदा हम लोग बिल्कुल उठाएंगे, सारे दबा के फ़ायदा उठाएंगे उसका, और बस थोड़ा टाइम बाकी है। दूसरा ये कि आपको रेंजेस वगैरह मिल जाएंगी कि फलां 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 रेंज पे, अब ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली उसी रेंज पे आ जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कहा कि यार वो भाई फ़र्ज़ करो इथेरियम आ जाएगा 1300, अब जरूरी नहीं है कि 100% वो 1300 पे आ सकता, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि वो नहीं आ सकता। तो इधर आप ऐसे समझ लो कि 60-40 चांस, अब वो 1300 पे आए ना आए, वो जब 1400, 1500, 1600, 1800 या 2000 पे होगा, हम तो वहां से शुरू करेंगे खरीदना ऑल द वे। 2000 पे अगर फर्ज करो आ गया, ठीक ठाक उठाओ उसको, 40-50-60% तो वहाँ पे डालो उसको अगर आपने उठाना है। उसके बाद अगर नीचे आता है उसको डॉलर कॉस्ट एवरेज ऑल द वे, क्योंकि आपको पता है कि यार ये जो मिनिमम है ना इसका वो 1300, ठीक है 1300 से मोस्ट लाइकली नीचे बिल्कुल चांस ही नहीं के बजाय, बल्कि ऐसा नहीं कहना चाहिए कि चांस नहीं, वो तो बिल्कुल हो सकता है कि वो शायद 900 पे भी आ जाए, लेकिन 1300 जो है ना वो मैं इस तरह इस रेंज में देख रहा हूँ। तो 1300 से 2000, अब ये 100% गारंटी है कि इधर आएगा, नहीं है गारंटी, लेकिन वो बायस जो है हमारा वो तो फिलहाल है, एग्जिस्ट करता है। अगर गलत साबित हुए तो फिर हमें अंदाजा हो जाएगा कि भाई यार ऐसा नहीं हो रहा जैसे हम समझ रहे हैं 2 महीने से, तो बस ठीक है चेंजेस आ गई हैं तो उसी हिसाब से फिर हम डील करेंगे। जब तक कि वो चेंजेस नहीं आती हैं तब तक तो मैं तो इसी पे बैठूँ कि हमारे नीचे खत्म स्टोरी। इसी तरह बिटकॉइन 30, 32, 35, 22, 24 बिल्कुल पॉसिबल, ठीक है बिल्कुल पॉसिबल इस रेंज में, यानी 35,000 से नीचे बिल्कुल पॉसिबल क्या आ जाए। अब गारंटी है 100% नहीं, मगर हम देख रहे हैं फिलहाल तो वही हो रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ आ रहे हैं हम लोग। 50,000 पे थे तब भी मैं यही बोल रहा था, और 52,000 53,000 जो भी था जब भी तब भी यही बोल रहा था, और ये जो सारे सेशंस वगैरह हुए हैं 2 महीने से वो सब में यही बोला कि भाई नीचे आएंगे नीचे आएंगे नीचे। तो फिलहाल तो देख रहे हैं हम लोग कैसे ही हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, मार्केट जो है बड़ा उसमें वीकनेस देखना। जब लोग गोल्डन क्रॉस की बातें कर रहे थे तो मैं इनको बोला भाई ऐसी बातें नहीं करो, ये डायलॉग नहीं मारो, गोल्डन क्रॉस गोल्डन क्रॉस। गोल्डन क्रॉस का मतलब ये थोड़ी है कि बस सीधा शूट हो गया, वो अलग चीज़ है। जो हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे गोल्डन क्रॉस करते हैं उसको ट्रेड कर लो, वो अलग चीज़ है। डेली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन के इतने बड़े पर्सपेक्टिव में उसको इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि वो कोई 15 मिनट वाला डेली क्रॉस है, चलो भाई 2 कैंडल निकालेगा सीधा शूट ठीक है। तो मतलब आपका गोल्डन क्रॉस हुआ, उसके बाद फिर देखा क्या हुआ, लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि वो शूट करेगा ऊपर, क्या वो तो उल्टा हो गया। तो डेली क्रॉस होने के बाद वो तो उल्टा 8-10 हज़ार नीचे गिर गया मेरे ख्याल से। मुझे याद नहीं है कि एग्जैक्टली किस प्राइस पे उसने डेली क्रॉस किया, मगर जो भी हो वो 6,000 तो नीचे कम से कम गिरा ही है, ठीक। तो ये स्टोरी है, लैगिंग इंडिकेटर है वो सारा। उसका मतलब ये नहीं है कि एक बार हो गया तो बस खत्म बोलना शुरू हो सारा कुछ, नो। हो सकता है कि अभी डेथ क्रॉस हो जाए, उसके बाद फिर उसके बाद एकदम कुछ टाइम बाद देखो 10-15-20 दिन बाद फिर गोल्डन क्रॉस हो जाए। ये हुआ इससे पहले 2017 में हुआ था, उससे पहले हुआ था गोल्डन क्रॉस हुआ आपका, उसके बाद फिर डेथ क्रॉस हो गया, फिर नीचे मूव ठीक ठाक 8-10 हज़ार नीचे आ गया, उसके बाद फिर दोबारा से ऊपर, ठीक। 8-10 हज़ार नीचे नहीं, मतलब मैं एक मिसाल देने के लिए इतना कह रहा हूँ, मुझे याद नहीं कितना नीचे आया था, काफ़ी नीचे आया। तो उसके बाद फिर दोबारा से गोल्डन क्रॉस हुआ आपका, बुल रन शुरू हो गया। तो यहाँ पे भी वैसे सीन बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि फिलहाल तो वही देखने को मिल रहा है ना, तो हम लोग तो उस पर बायस हैं कि ठीक है भाई जो दिख रहा है बस उस हिसाब से हम डील करते हैं। बाकी अच्छी जो खबर है, अच्छी खबर तो नहीं मतलब जो हौसला देने के लिए वो ये बात है कि अक्टूबर में, चाहे वो 20 अक्टूबर तक हो, 15 हो, 20 के बाद हो, ये अक्टूबर में मोस्ट लाइकली आपका अप ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएगा। अब चाहे वो 13 तारीख को बेशक हो, चाहे वो 9 को, वो जो भी हो, मतलब इस हिसाब से मतलब ये शुरू हो जाएगा। तो जो डेट है ना हमारा, डेट नहीं बल्कि जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के दौरान या तो उसके बिल्कुल खत्म होने के फौरन बाद, चाहे वो 2 दिन का फर्क हो या 3 दिन, इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन इस दौरान हो जाना चाहिए। उस हिसाब से जो है आज 24 है, 6 दिन ये तो 30 हो गए, फिर आपका सितंबर अक्टूबर शुरू, अक्टूबर 13 तक, फिर ये 19 दिन हो गए, 20। तो आप ऐसे समझ लो कि भाई 17 दिन से 25 दिन तक ये टाइम, इस टाइम के दौरान मोस्ट लाइकली शिट शो खत्म होने वाला है। उसके बाद फिर आपका अपट्रेंड शुरू। इस दौरान हमने पोर्टफोलियो बिल्डिंग करनी है, जो बंदा कर गया तो वाह वाह, जिसने नहीं किया तो फिर उसके बाद वो वही सिस्टम है कि फिर ऊपर जब चला जाएगा ना तब खरीदेगा वो। तो ये हो गया आपका अपडेट अक्टूबर के बारे में भी। तो अभी उम्मीद है कि इसके बाद कोई नहीं पूछेगा कि कोई अपडेट दे दें क्या होगा बिटकॉइन का, ये आपको दे दिया। अभी पूरा अक्टूबर का जो है ना, ये सारा, ये सितंबर के 6 दिन, अक्टूबर का पूरा महीना, और बल्कि नवंबर दिसंबर मिला दो उसके अंदर। ये हो सकता है वैसे कि, चलो मैं ये भी बताता हूँ कि जब एक बार मतलब अपट्रेंड आपका शुरू हुआ, ये हो सकता है बिल्कुल कि नवंबर में या दिसंबर में। अब थोड़ा रफली मैं अंदाज़ा देता हूँ डेट का, मैंने इसको अभी देख रहा हूँ, मैंने इसको पूरा उसको फाइनलाइज नहीं किया क्योंकि बहुत दूर है अभी, तो सितंबर ख़त्म नहीं हुआ, हम नवंबर दिसंबर की बात है। नवंबर के मिड नवंबर अगर हुआ अभी तो मिड नवंबर, और उसके बाद फिर फर्स्ट 10 to 12 डेज ऑफ दिसंबर। इस दौरान एक ख़तरनाक ड्रॉप भी हो सकता है, ठीक है, मगर इसको अभी फ़िलहाल सीरियस नहीं लें, क्यों जैसे मैंने कहा कि अच्छा टाइम आ रहा है फिलहाल, तो फिलहाल उस पर फोकस करें। वो अगर ड्रॉप शॉप होना हुआ ना, वो आप लोगों को पहले से पता चल जाएगा। मैं आप लोगों को हो ना हो कम से कम 2 हफ्ते पहले, मिनिमम 2 हफ्ते पहले बता दूंगा कि भाई यार फलां डेट में ये होने वाला है, और आपको पता ही है हम लोग हमेशा ऐसे करते। अगर उससे पहले हो सका तो आपको 3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले बता दिया जाएगा कि भाई यार ये नवंबर में ख्याल रखें, या फिर दिसंबर में ख्याल रखें, फलां फलां डेट में ख्याल रखें, होने वाला, ये आपको बिल्कुल पता चल जाएगा, ठीक। मगर वो मोस्ट लाइकली फिर हम लोग पता नहीं, बहरहाल शायद ना करें ऐसे कि वो डिस्कॉर्ड में रखें, शायद उसको फेसबुक पे डाल दें, लेकिन बहरहाल अपडेट्स तो ओवरऑल आपको मिलती जाएंगी, अब चाहे वो इधर हो उधर हो जो भी अपडेट्स तो आपको मिलती जाएंगी। इसके अलावा जो है कुछ खास नहीं। अनस भाई और कुछ है आपके बोलने के लिए? नहीं जाहिद भाई, बस क्वेश्चन आंसर ले लिए थे इन सबसे, बाकी कुछ लोगों को आपसे बात करनी थी, वो तो पता नहीं कौन कौन थे। ये अच्छा बहरहाल ये कि देखें अपना पोर्टफोलियो ना, उसको जैसे जैसे हम गिरते जा रहे हैं ना बिलो 40,000 जैसे जैसे आते हैं, अपना पोर्टफोलियो आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करते जाएं, आहिस्ता 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 बिल्ड करते जाएं। उसमें डॉलर कॉस्ट एवरेज कुछ चीज़ें उठा ली, मगर मेक श्योर बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स उठाएं और कुछ उठाएं, ये कुछ ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाई नहीं करें जैसे बहुत सारे लोग करते हैं। मैंने देखा काफ़ी लोगों को $1,000 का पोर्टफोलियो है और 6-8 कॉइन्स उठाए हुए, तो भाईजान किधर से कौन से मरीख से आए हो? तो 6-8 कॉइन आप $1,000 से जब उठाते हो तो वो उसको तो बहुत ऊपर जब तक नहीं जाएगा तो आप तक क्या प्रॉफिट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा $200 प्रॉफिट करोगे, तो क्या फ़ायदा कि इतना बड़ा एक मूव होने वाला है। और जिधर बिटकॉइन फर्ज करो बिटकॉइन 20,000 ऊपर चला जाता है, पहुंच जाता है कोई 60,000 पे, ठीक है, इतना बड़ा मूव है। आप आल्ट कॉइन्स में इतना और डाइवर्सिफाई कर लेते हो कि वो जब तक कोई 200% ऊपर ना जाए तो आप कोई खास फायदा नहीं करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप टोटल कम्बाइंड उस पर $300 का प्रॉफिट करोगे। वो कोई बड़ी बात है? और कोई अगर समझता भी है, गरीब भी हो बेशक, समझे गया हाँ ये है बड़ी बात, वो नहीं है बड़ी बात। क्यों? क्योंकि भाई आप वो मैक्सिमम पोटेंशियल उसका उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो ना, आप खाली उसका 25-30% ले रहे हो, जबकि आप शायद 1,000 से 1,000 ही बना सकते हो, शायद आप 1,000 से 2,000 बना सकते हो। तो लिहाजा 1,000 कॉइन से ज़्यादा अगर बहुत ही आपको कन्फ्यूजन है ना, 2 कॉइन उठाओ बस, और वो भी सस्ते सस्ते। वो नहीं कि कोई चीज़ कोई $20 में या कोई $10 में, फिर वो उठा लिया, फिर एक और उठा लिया वो भी $10 में। नो नो नो, सेंट्स में जो घूम रहे हैं ना उसको आप 500 डिवाइड कर दो। अगर कोई डॉलर्स में घूम रहा है या ज़्यादा महंगा हो तो बोलो चलो $1-$1.50 का कुछ है तो फिर ठीक है, दोनों में डाइवर्सिफाई कर लो, कम से कम 500-500 या आपको 300-300, 250 तो मिल जाएंगे ना दोनों क्वांटिटी वाइज कॉइन्स। लेकिन वो नहीं कि वो $2 से अगर ऊपर है तो बस दूर भागो उससे, बल्कि $1.50 से अगर ऊपर है तो दो नहीं सिर्फ एक ही उठाओ, ख़त्म करो। इसी तरह 3,000 है तो उसको बिल्कुल अकॉर्डिंगली उसी तरह उसी हिसाब से उसको डाइवर्सिफाई करें अपने पोर्टफोलियो को, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं उठाएं, अच्छे प्रोजेक्ट्स। और अच्छे प्रोजेक्ट्स में क्या है जो मैं हमेशा अक्सर बोलता हूँ, लूना, सोल, ये वो तो है ही, उसके बाद फिर ये डॉट जो है, लिंक, थीटा, टी फ्यूल, ये होंगे अभी। थीटा टी फ्यूल ने भी देखा कुछ इतना खास नहीं किया, जिसी तरह बिल्कुल लाइटकॉइन ने कुछ खास नहीं किया, बिटकॉइन कैश ने भी कुछ खास नहीं किया, इसी तरह काफ़ी सारे दूसरे बिल्कुल कुछ खास इन्होंने किया ही नहीं। ये अगली बार जो है ना इनकी बारी, ठीक है, अगली बार फिर इनकी बारी। ये बिटकॉइन कैश बिल्कुल मैंने कभी ऐसा बुल रन नहीं देखा था जिधर बिटकॉइन कैश ने कुछ किया ही नहीं, कभी नहीं देखा, ठीक, इससे पहले कभी इस तरह हुआ ही नहीं, या कोई ऐसा ट्रेंड भी नहीं देखा जिधर बिटकॉइन कैश कुछ कर रहा ही नहीं, लाइटकॉइन भी ऐसी कुछ किया ही नहीं, ठीक है। तो ये हो ही नहीं सकता कि ये जो अगर आपका बुल रन शुरू होता है तो फिर ये लोग इसी तरह ये कॉइन्स बैठे हो, बस हिल रही नहीं, साइडवेज जाए, हो ही नहीं सकता। ये जब जाएंगे तो बड़ा ठीक ठाक जाएंगे, बड़े तेजी से जाएंगे, लोग हैरान हो जाएंगे कि यार ये क्यों लिया नहीं यार, कल तक ये 100 का था, आज ये 800 पे पहुंच गए यार, ये क्या स्टोरी, ठीक है। तो ये कॉइन्स जैसे जैसे ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे ना, आपको इंडिकेशन मिल जाएगी कि हाँ भाई यहाँ पे अभी आपका ट्रेंड शुरू हो गया, ठीक है। तो ये कार्डानो उठाए, फिर इसी तरह ये सो, लूना और आवे, इस तरह के जो कॉइन्स है ना, ये है बड़े ज़बरदस्त कॉइन्स, बोथ फॉर द लॉन्ग टर्म और फॉर द मिड टर्म, दोनों के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो आप कुछ भी उठा सकते हो, कोई भी दूसरा कॉइन, ठीक है जी। क्वेश्चंस नहीं जाहिद भाई को? हाँ ले आप, मैं थोड़ा सांस लूँ। वाली वगैरह निम्रा जाहिद हाई लेवल। अच्छा अस्सलामुअलैकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। अच्छा मेरे कुछ क्वेश्चन थे। आपने जो एक इंडिकेटर बताया था ईएमए के नाम से, शायद मैंने जो संडे वाला सेशन लिया था उसमें था। जी जी बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि उसको इंडिकेटर को हमने इसको किस टाइम फ्रेम में जो है उसको स्टार्ट करना है, either for 5 minutes or for like किस टाइम में, और सेकंड ये कि 15 में कर लें ज्यादा अच्छा है, छोटे टाइम फ्रेम पे करें ठीक है तो ज्यादा अच्छा। ओके एंड सेकंड क्वेश्चन इज लाइक कि मतलब जब मैं चार्ट्स को ओपन करती थी इंडिकेटर्स को, उसमें ये होता था कि लाइक जो उसमें प्रॉपर लाइन की एक इंडिकेशन थी कि उसको क्रॉस अगर अपने करता है तो फिर लॉन्ग की पोजीशन होती है और नीचे जाता है तो फिर शॉर्ट की होती है। तो मोस्ट ऑफ मुझे पॉइंट ऐसे मिलते थे जो ऑलरेडी बहुत या तो नीचे थे या तो बहुत ऊपर जा चुके थे। सो हाउ वी कैन लाइक हंट क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉइन्स हैं, सो इज लाइक मैं कैसे गेट कर सकती हूँ कि मुझे इस कॉइन में ट्रेड करना है? अच्छा वो अपडेट आपको आपको देखना है, ऐसे है कॉइन को एक सेकंड जरा रुकें। जी आपको देखना है ऐसे कि देखें अभी तो काफी चार्ट्स ऐसे थे, पहले तो बात ये कि बहुत सारे चार्ट देखते हैं और वो देखने कैसे हैं, अगर आप फ्यूचर ट्रेड्स करती हैं तो वो करने ऐसे हैं कि आप बाइनेंस पे जाएंगी, बाइनेंस पे जाके फ्यूचर ट्रेड जहाँ से आप ऑन करती हैं वहाँ पे जितने भी कॉइन्स आ रहे हैं आप वन बाय वन उनको देखें और उनमें से भी फिर शॉर्ट टेस्ट करने वो कॉइन जिनका प्राइस एक्शन अच्छा हो थोड़ा, जो मतलब प्राइस एक्शन लाइक आप कॉइन की वैल्यू जो होती है वो देखें वो सेकंड्स के अंदर ऊपर नीचे हो रही हो, थोड़ी थोड़ा जल्दी हो रही हो, ऐसा ना हो कि आप 4 सेकंड 5 सेकंड बाद फ्लिप हो उसका प्राइस चेंज हो रहा हो। तो एक तो वो शॉर्ट लिस्ट करें, उनको नोट डाउन कर लें। फिर तीसरी चीज़ ये कि मैं सजेस्ट ये कर रहा हूँ कि सब शॉर्ट ना करें, लॉन्ग ही करें अभी फ़िलहाल। तो आप लोग ये देखें कि कौन सा कॉइन ऐसा है अभी करंटली जो उस लाइन से नीचे है, वो जो एक चीज़ बताई गई थी उससे जो नीचे है उनको नोट डाउन करें, फिर उसके ऊपर कांस्टेंट मतलब देखते रहें, लुकअप रखें कि आप कब कॉइन कौन सा कहाँ पे आ रहा है, उस लाइन के पास आ रहा है, उस कॉइन को देखते रहें बस। तीसरी चीज़ ये कि आप ये सोचें, अभी एक सवाल भी किया था जब डिस्कॉर्ड ऑन हुआ था कि काफ़ी लोगों ने बोला कि यार सब लाइव वो तो बहुत नीचे चला गया, वो लाइन ऊपर रह गई है। तो ऐसा है कि वो मिक्सचर है ऑसिलेटर्स का और मूविंग एवरेजेस का, तो वो थोड़े टाइम बाद अगर BTC इधर ही रहता है जहाँ पर वो अभी है 2-4 दिन, तो ऐसा नहीं है वो लाइन भी वहीं रहेगी ऊपर, हर कॉइन का एवरेज मेनटेन होगा 2-3-4 दिन का, वो लाइन नीचे आ जाएगी। वो लाइन मतलब मेरे ख्याल से वो 1-1.5 घंटे बाद ही नीचे आ जानी चाहिए, जब शॉर्टर टाइम फ्रेम की अगर बात कर रहे हैं तो वो नीचे आ जाएगी, उसके बाद आप लॉन्ग करना शुरू कर दें उसको, जो भी कॉइन्स हैं आपके। बस वही बात है कि BTC के ऊपर थोड़ा नजर रखें, BTC कहाँ पर है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखें, पता मतलब ये सीखें कि रेजिस्टेंस क्या होती है सपोर्ट क्या होती है, उससे ये 2 चीज़ें बस देख लें कि जिस कॉइन में आप एंट्री ले रहे हैं उसकी रेजिस्टेंस तो नहीं है ऐसा वहाँ पे कि वो ब्रेकआउट तो कर रहा है, उस लाइन को ब्रेक कर रहा है, कैंडल भी फ्लिप की, लेकिन ऐसा ना हो कि आप उसको लगा के थोड़ा सा छोड़ दे कि यार मैं थोड़ा कैंडल ऊपर जाएगी 15 मिनट बाद फिर मैं वहाँ से निकलूँ। हो सकता है वहाँ पर रेजिस्टेंस हो जिसको रीटेस्ट करे और वहाँ से रिजेक्ट हो जाए और वो फिर नीचे आ जाए, तो थोड़ा इसको भी ध्यान में रखना है। फिर दूसरी चीज़ BTC है कि वो रेजिस्टेंस पर तो नहीं है, BTC कैसे बिहेव कर रहा है, BTC ने अपने 15 मिनट के चार्ट पे कितनी रेड कैंडल्स दी है कितनी ग्रीन दी है वो एवरेज निकालें, अगर ज़्यादा परसेंट उसका रेड है तो फिर आपको बहुत उसको मतलब मॉनिटर करने की ज़रूरत है अपने ट्रेड को थोड़ा सा। बस ये थोड़ी सी चीज़ें जो ध्यान में रखनी है। हाई लेवल डॉलर इनको बता दे, मैं वो पोस्ट करने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाँ जाहिद भाई कुछ चीज़ें वो थर के लिए जो डोनेशन वगैरह ली गई थी यहाँ पे अनाउंस किया था, हम लोगों ने बहुत अच्छा वो सब कुछ किया, बहुत सक्सेसफुली सब चीज़ें डिलीवर की, हम लोगों ने 400 बैग्स उन लोगों तक पहुँचाए और 400 बैग के अंदर राशन बहुत अच्छा खासा था कि वहाँ पे जो मुझे फैमिलीज दिख रही थी, जो मैंने वहाँ पे माहौल देखा, तो वो लोग आराम से अपना महीना तक गुजार सकते हैं उसके अंदर। और उसके साथ साथ हमने मेडिसिन भी दी थी जिसमें बच्चों की भी थी बड़ों की भी थी, और फिर जाहिद भाई ने कैश भी भिजवाया था कुछ, तो वो भी दिया गया। अभी जाहिद भाई कुछ पिक्चर्स वगैरह शेयर करने वाले हैं वहाँ की, ताकि आप लोग अपडेट हो जाओ कि हमने क्या किया है वहाँ पे थोड़ा उससे, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग दोबारा सेशन स्टार्ट करेंगे इस चीज़ का, कुछ वर्किंग में है, कुछ प्लान कर रहे हैं हम लोग कि कुछ और बेहतर करें, हम लोगों ने तकरीबन 400 लोगों मतलब 400 खानदानों तक उस चीज़ को पहुंचाया, उस राशन को पहुंचाया और बहुत इत्मीनान से जिस जगह गए। और वो जगह भी ऐसी थी कि आप लोग पिक्चर से अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि उन लोगों को वाकई में इस चीज़ की ज़रूरत थी। और उनको ज़रूरत तो बहुत सारी चीज़ों की है, नेसेसिटीज़, बेसिक नेसेसिटीज़ वहाँ पर लाइक पानी सबसे बड़ा इशू है, लेकिन फिर भी हमने जितना कर सके हमने किया। और इंशाल्लाह कोशिश है, दुआ करें आप लोग भी और हेल्प करें कि जब नेक्स्ट हम लोग जाहिद भाई दोबारा अनाउंस करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं वहाँ के लिए या कुछ और हम सोचें उनके लिए, तो आप लोग बढ़ चढ़ के उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सुकून वाली चीज़ है, सुकून मिलता है ये सारी चीज़ें करने के बाद। आप देखोगे तो आप बहुत सारे लोगों ने दिए होगा यहाँ पे जो लोग बैठे हुए टेंशन, तो आप लोग ज़रूर ये पिक्चर्स वगैरह पोस्ट देखें। हाँ, हाई लेवल साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैंने ये पूछना था कि अभी जो ड्रॉप हुए ना, तो मैंने उसमें वो रे और एसएक्सपी ले लिए, तो ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स था या नहीं? अगर नीचे जाएगा तो मैं और भी ले लूँ। अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अभी जाहिद भाई ने कहा कि अभी बताया तो उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स को टाइम तो नहीं, अभी जो उन्होंने स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स बताए तो उसमें रे का नाम नहीं लिया, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जाहिद भाई, आपने रे का नाम क्यों नहीं लिया? हाँ भाई, वैसे तो 2000 कॉइन है ना, सबके तो नाम नहीं लेगा ना बंदा बैठ के, इस तरह तो 2000 भी नहीं है तो 50,000 कॉइन बहुत है। मगर ये जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए दिए हैं, ये तो सवाल ही नहीं बनता कि आपको पूछना चाहिए इस बारे में। ये तो आपको सिग्नल दिया हुआ है, अब सिग्नल के बारे में आप कैसे पूछ सकते हो कि सिग्नल लेना ही नहीं लेना? ये तो आप गाना गाओ भाई। सही है, थैंक यू। पोस्ट हो गया, पोस्ट हो गया, आप लोग फेसबुक पे देखें जाकर, और भी उसमें पिक्चर अभी आती रहेंगी। और जी बोलिए अमित साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। बस अनस भाई, मुझे जवाब मिल गया। असल में मैं ट्रेडिंग बहुत पहले से कर रहा हूँ। मैंने मतलब टेक्निकल एनालिसिस जैसे फुटप्रिंट चार्ट्स हो गया, इवन एडवांस में चला गया। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे जाहिद भाई बता रहे थे कि मतलब आपको मतलब एनालिसिस के बारे, मतलब टेक्निकल एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस, इसके अलावा भी आपको ना मतलब बाहर जो दूसरे इवेंट्स होते हैं उस पर काफ़ी नज़र रखनी पड़ती है। तो मैं ये कह रहा था कि क्वेश्चन ये है कि जैसे अब तो जैसे कोर्स है ना, तो उसमें तो ये है कि वो मतलब ज़्यादातर बेसिक चीज़ें हैं ना, जैसे वो टेक्निकल एनालिसिस है। लेकिन एडवांस लेवल पे ऐसा कोई है जैसे हम मतलब हाई लेवल पे देखें कि मतलब दुनिया में क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, और स्टॉक्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, तो ऐसा कोई है आप लोगों का, कोई प्लेटफॉर्म का कोई वैसा कुछ है फ्यूचर में? बिल्कुल है, हमारे पास ट्रेडिंग ग्रुप है, मैंने अभी बताया, फिर दूसरा कोर्स भी है। तीसरी एक बहुत अच्छी चीज़ जाहिद भाई ने स्टार्ट की है कि हम लोग 1-on-1 लोगों के साथ बैठ के उनको सिखाएंगे। मतलब जूम सेशन में सिर्फ एक ही बंदा होगा, वो या मतलब सामने यहाँ पे जाहिद भाई भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, दूसरा मॉडरेटर भी हो सकता है, और सामने सिर्फ आप होंगे। क्योंकि काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी इस चीज़ की कि यार हम लोग इतना ज़्यादा वो क्लटर में, रश में नहीं सीखना चाहते हैं, आप जो भी चाहिए फ़ीस आप ले लो। लेकिन जाहिद भाई ने बहुत रिजनेबल फ़ीस रखी है, वो 2 महीने के लिए पूरा मतलब टाइम हो रखा है उसका सब्सक्रिप्शन का, और 2 महीने में हम आपको ऐसा इंशाल्लाह 1-on-1 बैठ के बना देंगे कि आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते इंशाल्लाह। तो उसमें जाहिद भाई की भी सेशन, वो भी होंगे, वो भी आपको चीज़ों के बारे में बताएंगे आके, और मैं भी होंगे, दूसरे मॉडरेटर्स भी होंगे, आपको टीए वगैरह ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। लाइक ज़रूरी नहीं है आपने आज क्रिप्टो स्टार्ट की हो, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप जो जिनको एक्सपीरियंस भी है थोड़ा, वो भी देखना चाहें कि जाहिद भाई की क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं, डेट्स कैसे निकालते हैं, मार्केट अपडेट्स कैसे देते हैं, कैसे वो डॉलर वगैरह, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब कुछ होता है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अनाउंसमेंट के अंदर एक पोस्ट हुआ हुआ है, वो फॉलो कर लें, मोहसिन को या मुझे डीएम कर लें, तो अगर आपको ज्वाइन करना है वो, तो आगे की अपडेट आपको उसमें मिल जाएगी। बाकी ठीक है इंशाल्लाह। बस बाकी ये था कि उसमें से ये भी मतलब अगर हो, जैसे फॉर एग्जांपल जाहिद भाई ने कहा कि मतलब इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है, मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ मतलब ट्रेडिंग वगैरह, फुटप्रिंट चार्ट तक पहुँच गया हूँ, मतलब उन चीज़ों तक। एडवांस में। लेकिन वो जाहिद भाई ने कहा कि इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप उसमें गुम हो जाते हो। लेकिन जैसे अभी आप लोगों का अपनी एक स्टडी है कि आप मतलब लेट सपोज आप सुबह उठते हो ना, सबसे पहले कंप्यूटर के सामने जिस चीज़ के सामने आप ट्रेडिंग करते हो, आप पहले न्यूज़ देखते हो, उसके बाद मतलब आपका सीक्वेंस क्या है, आपका प्रोसीजर क्या है। तो मतलब वो सारी चीज़ें ये एडवांस लेवल पे अगर हो तो हमें काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि फिर हम ज़्यादातर वो जो ज़्यादातर गंद होता है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, उसमें बंदा गुम हो जाता है। वो इंसान के लिए मुश्किल भी होता है। जो चीज़ आप सीख जाओ उसको भूलना चाहो ना, गलत चीज़ सीख जाओ उसको भूलना चाहो, इंसान वो फिर भूल नहीं सकता ना, ये फिर बड़ा मसला होता है। सही है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच नस भाई। शानी खान, सानी खान नहीं बोल रहे। जो ईमान फादर, हेलो काश 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 काश, ये क्यों नहीं कर रहे यार? मैं लोअर हैंड कर रहा हूँ, दोबारा आप लोग आओ यार, हैंड रेस करना प्लीज। हमजा, वालेकुम सलाम। हेलो वालेकुम सलाम। सर ये एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारा जैसे ये ग्रुप है, मैं एक्चुअली 2-3 महीनों से आपको फॉलो कर रहा हूँ, तो जो जाहिद भाई वगैरह की जो बातें होती हैं, जो मार्केट मेकर्स वगैरह की और जो अपडेट्स वगैरह उनकी होती है, तो कभी फ्यूचर में ऐसा तो नहीं हो सकता कि जैसे हमारा ग्रुप जो है ये काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आता जा रहा है, तो मार्केट मेकर्स देख ले कि यार ये यहाँ पे ऐसी प्रेडिक्शन हो रही है। जो मार्केट मेकर्स हमें ट्रिक नहीं कर सकते, हम मार्केट मेकर्स को ट्रिक। ओके, बस यही एक मासूमाना सवाल। वसीम बादामी जिंदाबाद। थैंक यू। सवाल अच्छा था वैसे जाहिद भाई। हाँ बिल्कुल, मगर ये कि मुझे पता है कि वो करते किस तरह है, तो वो फिर जब तक वो पूरा 40 साल का डेटा चेंज नहीं करेंगे तो वो हमें ट्रिक कैसे करेंगे। नहीं नहीं यार, अभी आयरदेश किया, कहाँ चले गए? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिद भाई से बात करना चाह रहा था मैं। आई थिंक जो हो गए 3 से 4 मंथ पीछे, जब डेफी वाला आपने स्टार्ट किया था ना न्यू, तो तब से ट्राई कर रहा हूँ, जाहिद भाई से बात करना चाह रहा था, तो एट द एंड मौका मिला है आज। जी आजाद भी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुना? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक। एक तो सर मैं छोटा सा एक पर्सनली मैसेज छोड़ दूंगा आपको, आपको टाइम मिले तो आप देख लीजिएगा। दूसरा ये कि सर मैं बिल्कुल बेसिक हूँ, बिल्कुल बेसिक, तो जो आपका है कोर्स वगैरह वो 26 या 28 डॉलर का, तो इज दिस पॉसिबल कि वो मैं सीख जाऊँगा? क्योंकि वो इंसान को अपने वो कुछ होता है ना जहन पे, वो कर नहीं पा रहा होता, पता नहीं मैं सीख जाऊँगा या नहीं सीखूँगा, तो मैं ना उसी में हूँ। तो क्या ये पॉसिबल है कि जो बिल्कुल लो लेवल पे इंसान है वो सीख जाएगा? अच्छा देखें, बिल्कुल क्यों नहीं। वहाँ पे सिर्फ क्रिप्टो के बारे में नहीं है, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं। वहाँ पे पैसे के बारे में बताया गया है कि उसकी कोरिलेशन क्या है, और इस तरह काफ़ी सारे फैक्टर्स मुख्तलिफ हैं जिसकी वजह से जो है जिसका इम्पैक्ट आता है क्रिप्टो पे। अब जैसे मैं लोगों को अक्सर बोलता हूँ कि भाई आप लोग जो है डॉलर शॉलर देखा करो, गोल्ड सिल्वर देखा करो, उससे आपको अंदाज़ा होता है कहने का मकसद क्या, अभी आप जब डॉलर जाके आज देखो डॉलर ऊपर गया हुआ है, बिटकॉइन देखो क्या कर रहा है, इनकी इन्वर्स कॉरिलेशन है। जब डॉलर मजबूत होता है ना तो क्रिप्टो की हालत टाइट हो जाती है, जब डॉलर जो है वो सुस्त हो जाता है तो क्रिप्टो जो है मजे ले रहा होता है। अब डॉलर जो है वो पिछले 2 हफ्ते से वो आहिस्ता 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 थोड़ा स्ट्रेंथ गेन किया, उसने ऊपर जाना शुरू किया और आप देखो कि क्रिप्टो क्या कर रहा है, वो इस तरह नीचे आते जा रहा है। तो एक फैक्टर तो ये भी है। इसी तरह बहुत सारी दूसरी चीजें जो कोर्स में दी गई हैं। हाँ, ऐसा है कि कोर्स जो है वो इंग्लिश जो है काफी एडवांस है, मगर उसमें ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि अगर आप फर्ज करो सारा समझते भी नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सीखोगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो असल चीजें सीखने वाली है ना वो बड़ा आसान है। जैसे वहाँ पे कुछ वीडियोस हैं जिधर कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज वगैरह दी गई हैं, बड़ा सिंपल है फॉलो करना उसको, वो और वो वीडियो तो बहरहाल उर्दू में, तो वो तो समझना उसमें कोई मसला ही नहीं। बाकी ये कि थोड़ा सा पूरा बैकग्राउंड दिया गया इन्फॉर्मेशन है उसमें, डॉलर का फलाने का ये फैक्टर वो फैक्टर ये चीज वो चीज, इस तरह भर दिया उसको पूरा, यानी फैक्ट विद नॉलेज। अगर कोई बंदा उसको पूरा A to Z समझ जाए तो ऐश करेगा। काफी सारे लोग हैं जो बड़े बेसिक लेवल पे थे, यानी नए नए आए हुए थे क्रिप्टो में, लिया उन्होंने कोर्स, आज वो बैठे होते हैं ग्रुप में खुद बोलते हैं कि भाई हम कोर्स लिया, हमने स्टडी किया सारा, आज हम खुद पैसे बना रहे हैं। तो इस काबिल इंसान बन सकता है। और दूसरा ये कोर्स जो है वो तो आप कभी भी उसको पढ़ सकते हो ना, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार, वो एक बार आप ले लेते हो, वो किताब की तरह है, तो आप उसको घर ले आते हो, उसके बाद तो जब मर्जी आप उसको खोलो, जब मर्जी पढ़ो उसको, तो आप उसको 2-3 बार पढ़ सकते हो अगर एक दफा में समझ ना आए तो। बाकी जो मेन चीज है वीडियोस वगैरह और कुछ इस तरह ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, वो तो उर्दू में। ठीक हो गया सर। मैंने जब स्टार्ट किया था ना, वो जब आपने वो स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम, तो मैं उसी टाइम एक गोल लिया था, तो उसके बाद कुछ कंडीशन इस तरह की हो गई थी कि वो ना मैं कंटिन्यू कर पाया। ये डिस्कॉर्ड था मैं इसी में, अब रिसेंटली मैंने वो वर्जन 2 में एनरोल हुआ हूँ, अब इंशाल्लाह वो जो है कोर्स उसमें होगा। तो बस यही पूछना चाह रहा था। और मैं आपको एक मैसेज, छोटा सा केस है वो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए काइंडली, आपसे रिक्वेस्ट है। तो बाकी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा है। तो बहुत सी नॉलेज मिलती है, बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा, बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें जो इंसान सोच भी नहीं रहा होता, वो इंफॉर्मेशन। बस यही कोशिश है ना हमारी कि हम जितना कर सकते हैं तो कर। जी सर, तो आपका वो ना बोलने का स्टाइल बहुत पसंद है मुझे। ओह खाना बहुत अच्छा मीठा सा है। अगर गुस्से हो रहे हो तो इंसान को लगता है वो गुस्से नहीं हो रहा, प्यार से समझा। ये मिठास इंसान की तरफ खींचती, बस यही था सर। चलो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यार मलिक साहब आप हो गए थे काजी। हाँ जी, जल्दी जल्दी छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछो यार। अब्दुल रहमान साहब आपका नंबर अगर आया नीचे तो अनम्यूट कर दूंगा। मोहसिन अली अस्सलाम वालेकुम। आ गए जी, जी बोलिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरे एक दो क्वेश्चन थे। एक तो सर ये था कि आपका ट्रेडिंग बॉट का कोई ऐसा सिलसिला नहीं है जिस तरह बहुत से ट्रेडिंग बॉट हैं, अगर ऐसा शुरू हो जाए। नहीं यार, कोई बॉट वाला सिस्टम नहीं है, हम खुद ही बॉट हैं, हम दिन में 20 घंटे लगे होते हैं। अच्छा, तो बॉट की क्या जरूरत? नहीं उसमें तो सर इजी है कि हो जाता है। तो नहीं ऐसा सिस्टम नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि सर MXC एक एक्सचेंज है, वो बेहतर है ट्रेडिंग के लिए या नहीं? उसकी कुछ फीसेस कम है इस वजह से। अच्छा, मैंने उसके बारे में सिर्फ 1-2 बार ही कुछ लोगों से सुना है, वो भी डिस्कॉर्ड में जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनसे सुना है। तो मैंने खुद कोई पर्सनल ना तजुर्बा है ना मुझे इतना ज़्यादा उसके बारे में पता है। अक्सर औकात मैं सिर्फ ये KuCoin वगैरह हो, ये बड़े बड़े मतलब एक्सचेंज है, Binance ये वो, तो इनके बारे में पता है और यही मैं प्रेफर करता हूँ, मगर मुझे नहीं पता वो कैसा एक्सचेंज है क्या स्टोरी। अच्छा, नहीं अगर ऐसे देखना हो कौन सा एक्सचेंज बेहतर है तो उसके लिए कोई ऐसा है कहीं से उसकी वेरिफिकेशन हो, जिस तरह कुछ वेबसाइट हैं उन पे हो, कुछ वेबसाइट हैं या कैसे चेक करते हैं किसी वेबसाइट को चेक करने में? ये कर सकते हो आप, क्या आप ये देखो कि उधर कितना वॉल्यूम के हिसाब से ट्रेड हो रहा है। अच्छा, मगर आप जब भी ऐसा देखोगे ना तो आपको हमेशा Coinbase, Binance, KuCoin, Bittrex, ये इस किस्म के coins एक्सचेंजेस आपको मिलेंगे उनमें हमेशा ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल यही होता है। अच्छा। और दूसरा सर मेरी डॉट की बाइंग थी 36.61, तो अभी तो लॉस में, तो मैंने काफ़ी एक ग्रुप में था जो कुछ आप भी जिक्र कर रहे थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो वहाँ से काफ़ी चीज़ें होती हैं, कुछ लोग लॉसेस में, मतलब वही आप वाली बात है कि भाई वो चार लाइनें खींच के और ये सब नहीं होता, तो उस चक्कर में थे। और इससे पहले भी काफ़ी लॉस हो चुका है। मैं उस टाइम से क्रिप्टो में हूँ जब मेरे पास जो है बिटकॉइन $700 पे था, तब एक कॉइन आया था, अगर आपकी नज़र में ई दिनार मैंने ले लिया था। उस टाइम कुछ था, कोई सिखाने वाला नहीं था, ट्रेनिंग नहीं थी, तो वहाँ पे मेरा काफ़ी लॉस हुआ। अभी ई दिनार जो है शायद कन्वर्ट होके EDC पे आया, अभी भी है वो कि बहुत 3,000-4,000 रैंकिंग पे है, बहुत लो है, लेकिन वो बहुत अजीब सा सीन था। चले जो भी था, लेकिन ये कि मेरी अभी डॉट की बाइंग थी, तो इसको क्या करूं सर, होल्ड करूं या इसको मैं स्पॉट ट्रेडिंग में? अच्छा, स्पॉट में तो इसको आप बिल्कुल होल्ड करें, क्योंकि अभी आप लॉस में हो, लॉस में बेचने का फायदा नहीं है। एक तो ये, दूसरा ये कि पोटेंशियली वो नीचे तो आ सकता है, लेकिन ये क्योंकि आप इस टाइम अगर आप एग्जिट भी करते हो तो वो भी कोई खास स्ट्रेटजी नहीं है, तो आप उसको बस ऐसी तहमुल के साथ होल्ड करके रखें, बेशक नीचे आ, क्योंकि वापस दोबारा से वो ऊपर आएंगे, तो अच्छा। थोड़ा सा टाइम लगे बेशक, तो कोई मसला नहीं, आप गुजार सकते हो। सही होगा सर। सर मेरा ये था कि मैं अभी आज ही मैंने ज्वाइन किया आपका डिस्कॉर्ड ग्रुप, और इससे पहले मुझे पता नहीं था, जैसे ही मैंने देखा तो 2-3 दिन स्टडी किया आपकी, शायद मैसेज भी आया हो मेरा आपको, तो उसके बाद मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन किया। और दूसरा ये था कि मैं कह रहा था कि इतना अगर लॉस कम हो तो एक जैसे 33 पे गया या इससे ऊपर गया, तो उतने पे मैं अगर सेल करूं, और आपके ग्रुप से जिस तरह सिग्नल आते हैं तो शायद उनको फॉलो करके मैं बेहतर वो कर सकूं, बजाय इसके कि मैं लॉन्ग पे होल्ड कर लूं। ऐसा है कि आप बात भी डॉट के कर रहे हो, जो कि मैं खुद भी अक्सर लोगों को देता हूं, और कब से देते आ रहा हूँ, जब से बच्चों वाले प्राइस पे था। बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है, तो अगर आप इसको होल्ड भी करते हो इसमें कोई मसला नहीं, सिर्फ थोड़ा सा टाइम है जो कि गुजर जाएगा, उसके बाद तो वापस उसने ऊपर जाना है ना, आपकी एंट्री से भी ऊपर जाएगा। अच्छा। और एक और चीज़ सर के जो बंदा, मिसाल के तौर पे मैंने तो लॉस कर चुका हूँ इससे पहले कुछ चीज़ों में, लेकिन यह कि अभी मैं चाह रहा हूँ कि एक, यहाँ तो माशाल्लाह से बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जो बड़ी ट्रेड्स बड़े फंड के साथ हैं, हम तो जो एक बेसिक उससे चल रहे हैं, मतलब 1000 के अंदर अंदर। मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरह डे ट्रेड है या स्पॉट है या फ्यूचर जो भी है, तो मैं उसमें करना चाह रहा हूँ। लॉन्ग का तो मेरा अभी इरादा नहीं है फिलहाल, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। तो क्या मैं, मेरे लिए बेहतर है कि मैं 1000 के अंदर अंदर जो है मैं कर सकूँ फ्यूचर से? नहीं, कोई भी हो, स्पॉट हो, फ्यूचर हो, मतलब स्कैल्प हो। हाँ, बिल्कुल, $1000 काफ़ी, बिल्कुल। तो दूसरा ये है कि आप बच्चों वाला सवाल समझे या जो भी समझे, तो ये था कि अपना कोई भी मतलब मैं अगर 1000 के अंदर अंदर करता हूँ ट्रेड रोज की, आपके सिग्नल्स को फॉलो करता हूँ, तो एक बंदा आइडिया रखता है कि भाई मैं इस पे कितना अर्न कर सकता हूँ पर मंथ, मतलब एक मिनिमम अगर एक आइडिया हो। देखिए, पर मंथ वाला कोई सिस्टम नहीं है, वो ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक सिग्नल मिले, उसी सिग्नल में आप जो 1000 लगाते हो सकता है बैठे बैठे 2 दिन के अंदर अंदर जो आप $200 बना लो, ठीक है। अच्छा। इसी तरह हो सकता है कि आप 10 दिन में जो है आप 500 बना लो, फिर हो सकता है कि 10 दिन में शायद आप 1000 बना लो। तो ये हमेशा मुख्तलिफ होता है, ये स्पेस का तो मार्केट से ताल्लुक है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोले यार आप मंथली कितना बना सकते। सर आपका तो एक्सपीरियंस रहा है सारी चीज़ों का, तो आपने एक एवरेज होती है ना कि भाई एक एवरेज, कोई भी एवरेज एक आप अपने लिए डिसाइड करते हो ना। देखो, आप एक टारगेट लगाते हो कि भाई मेरे पास $1000 है, मैंने एक महीने में 200 बनाना है। अब वो 200 बनाना फिर आपके लिए वही टारगेट होता है। आप जब 200 कहते हो मेरा टारगेट मिल गया मुझे, तो आप तो वो तो अपने लिए खुद सेट करते हो। बाकी ये कि $1000 पे 200 बनाना कोई बड़ी बात नहीं। ठीक हो गया, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। कोई मसला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मैं तेज बोलूँगा। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सर जिस तरह नॉर्मली जब भी किसी कॉइन्स की सिस्टम अपडेट आती है ना, वो एटलीस्ट उस दिन ऊपर जाता है। अब 29 को लूना की अपडेट आने वाली है, अगर हम इसको कल परसों या कोई भी एक डिप आ जाए कल परसों तक उस पर बाय कर लें, तो क्या ये स्ट्रेटजी ठीक है? और सेकंड सर, मैंने कोर्स भी बाय किया हुआ है, आप संडे के लिए आप कह रहे थे कि कोर्स वालों को हम एक अलग सेशन कर लेंगे, उसमें अगर आप हमारा छोटा मोटा पोर्टफोलियो भी देख के अगर गाइड कर दें तो मेहरबानी हो जाएगी। और कोर्स से रिलेटेड हम कोई पोर्टफोलियो के लिए जाहिद भाई ने कहा है कि वो अनाउंस करेंगे, हम लोग एक फॉर्म शेयर करेंगे, आप लोगों की जितनी भी एंट्रीज आएगी उसमें से 300 रैंडमली लोग हम सेलेक्ट करेंगे। रैंडमली क्या मतलब जो आता रहेगा उनको सेलेक्ट करेंगे और उनका जो भी पोर्टफोलियो होगा उसे अपडेट करवाएंगे कि क्या करना चाहिए। उसमें सारे जो फॉर्म में सेक्शंस होंगे, वो कॉलम्स होंगे, चीज़ें होंगी, वो फिल ज़रूर करिएगा और वो शायद आज आ जाए या कल आ जाए, हम लोग वहाँ पे शेयर कर देंगे। तो पोर्टफोलियो के लिए आपके सबके लिए ये। बाकी कुछ लोग चैट में पूछ रहे हैं कि आपका ग्रुप कैसे ज्वाइन करें, क्योंकि फेसबुक और फ्री ग्रुप से भी आए हैं काफ़ी लोग। तो आप लोग सिर्फ nazcapital.net पे जाए, nazcapital.net, ठीक है। मैं यहाँ पे चैट पे भी शेयर कर रहा हूँ nazcapital.net, और यहाँ पे आ जाए। हमारी जो चीज़ें वो मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको। एक हमारा ग्रुप है $6 per month, जिसमें आपको सिग्नल्स, मार्केट अपडेट्स वगैरह फला जो भी मतलब होता है सब हम देते हैं रियल टाइम, और जिसमें लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शंस भी होती हैं, लॉन्ग टर्म मार्केट अपडेट्स भी होती हैं, जैसे जाहिद भाई ने जून में बताया था इस टर्म का, ये सब चीज़ें भी होती हैं। और करंट जो रियल टाइम चल रहा होता है वो सब भी बताते हैं। बाकी बीच बीच में स्पॉट होल्ड के लिए लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, इस तरह के भी आपको कॉइन्स दिए जाते हैं, फ्यूचर सिग्नल्स भी दिए जाते हैं। हमने अब स्टार्ट एक और चीज़ कर दी है कि हम लोग इंडिकेटर्स वगैरह थोड़े सा टीए वगैरह सिखा रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे सेशंस में आके, ये सब भी उसके अंदर है। दूसरी चीज़ ये कि हमारा एक और ग्रुप है जिसके वो ट्रेनिंग ग्रुप बोलते हैं हम लोग। उसमें आपको पूरा प्रॉपर क्रिप्टो कैसे रन करता है, फिर आपको कैसे इसमें पैसे बनाने हैं जल्दी, प्रिसाइसली, ऐसी चीज़ें सिखा रहे हैं जिससे आप फ़ौरन शुरू हो सकते हो पैसे बनाना। उसमें कोई इतना बड़ा लंबा सीन नहीं है। और तीसरी चीज़ हमारा ये कोर्स है जो आप लोग nazcapital.net पे जाके बात कर सकते हो और उनसे परचेज करने की बात कर सकते हो कोर्स की। जो ट्रेनिंग ग्रुप है हमारा वो $28 का जाहिद भाई ने किया हुआ है, वो था पिछले महीने 35 का। यार म्यूट करेंगे प्लीज, किसका खुला हुआ है माइक? जी, तो जाहिद भाई ने पिछले महीने जो फीस थी हमारी $35 थी, $35 ट्रेनिंग ग्रुप की, जो कि इस महीने $28 हो गई है। और उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है कि वो ग्रेजुअली कम करते रहेंगे उस फीस को, क्योंकि वो चाहते हैं आप लोग सब सीखो। तो इस महीने 28 है, तो पिछले नेक्स्ट मंथ और भी कम हो सकती है। दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास कोर्स है। कोर्स जो है वो $25 का है, और आप कोर्स जो है वो $25 का है, और आप लोग उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो जिस तरह साइड बाई सब कुछ मार्केट वगैरह का बताते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, चार्ट रीडिंग वगैरह, कैंडल स्टिक पैटर्न जो होते हैं और पूरे चार्ट के पैटर्न जो होती हैं, सारी चीज़ें, डॉलर वगैरह, ये सारी जो जाहिद भाई बातें करते हैं सब उसमें हैं। तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हो, उस कोर्स के ज़रिए भी पढ़ सकते हो, चीज़ें सीख सकते हो। लूना का काइंडली बता दे। लूना का क्या पूछना है? 29 को उसके सिस्टम अपडेट है, उससे उसके प्राइस पे इम्पैक्ट आएगा। यार इन चीजों से देखो, ये क्रिप्टो में पता है कब इम्पैक्ट आते हैं? क्रिप्टो में तब इम्पैक्ट आते हैं जब कोई रूमर स्टार्ट होता है। अभी अगर उन्होंने ऑफिशियली इस न्यूज को रिलीज कर दिया तो अब नहीं आएगा। वो जब होता है कि हाँ यार ये होने वाला है तब होता है। अभी लूना ऑलरेडी जबरदस्त चल रहा है, बहुत अच्छा खासा ऊपर गया था, अभी तो मसले अलग चल रहे हैं, तो वो करेक्शन वगैरह भी लेगा, चीज़ें लेगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से कुछ इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। और जब ये न्यूज़ आती है ना, मतलब न्यूज़ आने से पहले जो रूमर स्टार्ट हुआ हुआ होता है उससे फर्क पड़ता है, तब लोग आते हैं। क्रिप्टो में एक कहावत बोली जाती है, बाय द रूमर सेल द न्यूज़, मतलब जब रूमर आए तो आप परचेज करो, जब न्यूज़ आ जाए तो बेच दो। मैं इसकी बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल आप लोगों को बताता हूँ। जब कार्डानो जो एडा है उसकी न्यूज़ नहीं आई थी, उसके रूमर्स आए थे कि कॉइनबेस पे लिस्ट होने वाला है। तो जब वो न्यूज़ आई और वो लिस्ट हुआ तब कार्डानो बुरी तरीके से नीचे आया, और उससे पहले जब रूमर आया था उसका स्टार्ट हुआ था सब कुछ ट्विटर वगैरह पे, तो इतना ज़बरदस्त तरीके से कार्डानो ऊपर गया था, मैं आपको बता दूँ। लेकिन जैसे ही वो लिस्ट हुआ फ़ौरन नीचे आया। और ऐसे बहुत सारे कॉइन आप लोग खुद देखते होंगे जो ICO, जो नए नए कॉइन्स आते हैं एक्सचेंज पे हमारी, ये बाइनेंस पे, तो वो लोग आते ही डंप होना शुरू हो जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो न्यूज़ की वजह से ऊपर गए हुए होते हैं। नेक्स्ट बिलाल मुनीर, अस्सलाम वालेकुम अनस भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे जी? अनस भाई मैं जाहिद भाई से बात करना चाहूँगा। जी जी जाहिद भाई जी जाहिद भाई मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मेरे पास इतना बड़ा पोर्टफोलियो तो नहीं है, पर मैं अपनी मेहनत जो है सीखने पे लगा रहा हूँ। शुरू में मैंने थोड़ा सा लॉस किया है, बट अभी मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, बस मैं सिर्फ सीख ही रहा हूँ, तो सिर्फ सीख रहा हूँ। तो और आपको शुरू से ही मैं फॉलो कर रहा हूँ, माशाल्लाह आप अच्छा सिखाते हैं और अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बस आपसे बात करनी थी। बस बात करनी थी उनको, मतलब क्या बताऊं, बस बात करनी थी। हाँ वो तो ठीक है, मतलब पोर्टफोलियो छोटा है और इतना कोई खास। आप अगर ग्रुप में हो तो बस आप फॉलो करो, जो अपडेट्स आपको मिलती हैं, जो सिग्नल्स वगैरह ना, तो इंशाल्लाह फिर आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो जाएगा। नहीं बस मैं मतलब अभी मतलब पॉकेट मनी जो मिलती है मैं वो इकट्ठा कर रहा हूँ। अभी कुछ मौका मिलेगा तो सही टाइम पे उसको खरीदूंगा, बट मैं नहीं चाह रहा कि जब तक मुझे कुछ आए ना तो मैं उसमें घुस जाऊं और अपना सारा कैश नष्ट, तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम साथ में स्टडी भी करना चाहिए, आपको स्टडी भी करना चाहिए। बेशक के ग्रुप में जो है सिग्नल्स, ये प्रेडिक्शंस, ये वो सब कुछ मिलता है, लेकिन साथ साथ इंसान को स्टडी भी करना चाहिए। नहीं मैं मतलब इन्वेस्टमेंट जो है ना, मैं अभी यूएसडीटी वगैरह इकट्ठे कर रहा हूँ, अभी मैंने लगाई किसी चीज में भी नहीं है, बट वो कहते हैं ना क्रिप्टो में कोई भी चीज देर नहीं होती, तो किसी ना किसी कोई चीज तो मतलब कोई ना कोई कौन तो नया आया ही होगा, फिर जब टाइम आएगा तो वो ले लेंगे। जो आपने कहा है कि $1 से नीचे वाले हैं या उससे इस टाइप के कॉइन है जो, तो वो उनमें इन्वेस्ट करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी, जो भी हुए सूटेबल। ठीक मोको कतर, अस्सलाम वालेकुम अनस भाई, अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई। वालेकुम सलाम जी। अनस भाई फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था कि मैंने वो जो 1-on-1 सेशन है उसके लिए एनरोल किया है, ठीक है। सो मुझे बस जानना था कि उसमें जो जो कुछ ट्रेनिंग ग्रुप पे होता है दैट विल बी कवर्ड एज वेल, राइट? एंड प्लस द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एज वेल, सब सब सब। ओके, क्योंकि मैं एक्चुअली थोड़ा सा शायद था कि शायद वो डिफरेंट ट्रैक है, शायद ये डिफरेंट ट्रैक है, सो आई हैव टू एनरोल इन एवरीथिंग। आप सब सीख जाओगे ना तो खुद पोर्टफोलियो मैनेज करोगे, हमसे पूछोगे भी नहीं, ये गारंटी। राइट, नो यू नो, बट वो इनिशियल स्टेज पे यू नो अ लिटिल बिट गाइडेंस वुड बी ग्रेट। हां बेफिक्र है, बाकी वो ओके सर, जैसे आपने ज्वाइन किया हुआ है, मैं इंशाल्लाह कल पूरा उसकी आउटलाइन चीजें वगैरह भेज रहा हूं आप लोगों को, तो वो देखिएगा। बाकी आपके शेड्यूल के हिसाब से सारी चीजें, सेशन मैंने पूरे शेड्यूल टाइम वगैरह सब उसमें लिख रहा हूँ, तो जैसे ही वो पूरा हो जाता है मैं फिर ईमेल करता हूँ आप लोगों को, ठीक है? थैंक यू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। सेकंड थिंग आई जस्ट वांट टू ऐड कि यहाँ पे काफी ज्यादा डिस्कॉर्ड के अलावा भी लोग हैं, सो आई जस्ट वांट टू शेयर कि मैंने कल 1100 से स्कैल्प स्टार्ट किया था एंड आई मेड एग्जैक्टली 2200 आउट ऑफ इट, सो आई एम इनटू 100% profit since scalping for 12 straight hours. So just wanted to share the success story कि अगर कोई भी you know is still in doubt, you know if someone is still in doubt, I did it. I mean exactly 12 hours it took me, and exactly 1100 से I ended 2210. So it's happening. Amazing. So that's it from my side, sir. Thank you so very much. बहुत शुक्रिया। सीसीटी अस्सलाम वालेकुम अनस भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे ये पूछना था कि जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक अनाउंसमेंट हुई है सॉरी मैं क्लियर कर दूं कि मैंने लेट ज्वाइन किया है, तो मुझे पता नहीं अगर इस बारे में कोई बात हो चुकी है या नहीं। तो ये आप थ्रू एपीआई कीज मैनेज करवाएंगे या कोई गाइडलाइंस देंगे कि आप इस पैरामीटर्स के थ्रू अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं? हम उसमें प्रॉपर आपको सब चीज़ें बता देंगे, आपको सिर्फ जाके उसको परचेज करना, कॉइन्स बाय करना बस। तो इन फ्यूचर कोई ऐसी एपीआई कीज के थ्रू कोई सर्विस आपकी आ सकती है? क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ कुछ बिजनेस के हवाले से, क्रिप्टो वैसी साइड वे में लेके चल रहा हूँ, तो मुझे इन चीज़ों की बहुत कमी फील होती है कि समटाइम ये होता है कि 5-7 घंटे गुजर जाते हैं कि वो सिग्नल पे नज़र नहीं पड़ती और उसके बाद वो वैसे ही वो प्राइस काफ़ी शूट कर जाती है। तो इसलिए मुझे ये काफ़ी सूटेबल रहेगा अगर आपका कोई इरादा है इन फ्यूचर। नहीं, अभी ऐसा कुछ है सच तो नहीं है, मैंने सोचा बिल्कुल था लेकिन कुछ ज़्यादा फिजिबल समझ में नहीं आता। बहरहाल किया हुआ हमने ये कि हमारे पास डिस्कॉर्ड है, वहाँ पे जाहिद भाई कॉइन्स देते रहते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए कॉइन्स दिए, शॉर्ट टर्म के लिए दिए, तो वो आप परचेज करते रहो, वही आपका पोर्टफोलियो है। दूसरा ये कि जाहिद भाई ने कहा हुआ है कि वो एक लिस्ट भी शेयर करेंगे, लेकिन जैसे ही BTC उनको अच्छा लगता है, वो ATH क्रॉस करता है, तब वो एक प्राइस प्रेडिक्शन की हमारी लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, वो डिस्कॉर्ड में है, जो जाहिद भाई ने कॉइन दिए थे बहुत पहले। वो अब देख लो आप, उनमें से कोई कॉइन अगर ऐसा है जो बिल्कुल अपने वो बाइंग जो प्राइस दी थी उससे कोई करीब है थोड़ा, तो आप वो भी ले सकते हो। तो बाकी आप अगर चाहो तो अभी फॉर्म हम लोग देंगे, तो उसको बिल्कुल सबमिट करें, वहाँ पे हम आपको जवाब दे देंगे इस चीज़ का। चल ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अनस भाई, जाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाहिद भाई आपसे ये पूछना था, वो जो $28 वाले से उससे कोई कम वाला ग्रुप है लर्निंग का? देखिए वही तो 28 जो भी हुआ है 35 से हुआ है ना, अब 35 के बाद अगले महीने फिर वो थोड़ा और नीचे हो जाएगा, फिर होते जाएगा इस तरह। क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो $20 का है, $80 मैंने लॉस कर दिया। नहीं तो फिर आप YouTube पे जाएं, वहाँ पे हमने जो कुछ वीडियोस डाली है ना वही देखें आप, तो जरूरत नहीं है आपको कि आप इतने कम पैसों में फिर आप उधर ग्रुप में हो, दोबारा नहीं खाता है। फिर एक टाइम पे आप पैसे वैसे बना लो, आप आ जाओ। अमजद सर, सर मैंने ये पूछना था कि जो कॉइन होते हैं उनके साथ कुछ के साथ 3x लिखा होता है, किसी के साथ 5x लिखा होता है और किसी के साथ 10x लिखा होता है। और जो 3x वाले कॉइन हैं, जब BTC आप जाता है तो ये बहुत ज़्यादा पंप होते हैं बनिस्बत 10x के और 5x के। तो ऐसा इनमें क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से ये कॉइन ज़्यादा पंप होते हैं दूसरे कम होते हैं? यार मैं बताता हूँ, वो इसलिए क्योंकि कुछ कॉइन्स में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है, इसलिए कुछ कॉइन्स थोड़े ज्यादा पंप करते हैं, कुछ कम करते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन से होता क्या है कि आपके अंदर वो नेचुरल जज्बात और जुनून ज्यादा होते हैं। जब टेस्टोस्टेरोन कम हो जाते हैं तो आपके अंदर वो जज्बात और जुनून जो है ना, वो चर माहौल वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप फिर सुस्त हो जाते हो, कम पंप करते हो। तो ये कॉइन्स का मसला है, ये मुझे बड़ा टाइम लगा है समझने में। लेकिन सर ये 3x वाले ज्यादा पंप होते हैं ना, लेकिन इनका पैटर्न क्या है? टेस्टोस्टेरोन वो 3x ज्यादा है ना, 3x इसलिए। मगर चलें अनस भाई बताएं, मैं स्क्रॉल कर कुछ कॉइन्स पंप होते हैं, मैं लगा हुआ था मोबाइल में, क्या क्या बोला हमने, कुछ कॉइन्स पंप होते हैं कुछ नीचे रहते हैं। मैंने ये कहा सर जो 3x वाले कॉइन होते हैं ना, जिनके साथ 3x लिखा होता है जी, वो मतलब BTC अगर 1% बढ़ाए ना वो 2% बढ़ जाते हैं। सही है, वो उनका कॉन्ट्रैक्ट है, वो उनका कॉन्ट्रैक्ट है बाइनेंस के साथ, वो उस तरह चल रहे हैं। अच्छा, और जो 5x वाले हैं वो कम होते हैं, 10x वाले उससे थोड़े कम होते हैं। ये प्राइस एक्शन का गेम है सारा, ये आप सीखना पड़ेगा आपको बहुत, फिर जाके आप समझोगे। और ये चीजें ऐसे थोड़ी सिखाई जाती हैं, तो बहुत टाइम लगता है समझने में। ये प्राइस एक्शन के लिए शादी करनी पड़ती प्राइस एक्शन होता है सारा, ये सारी चीजें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। नोमान जी बोलिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने पूछ रहा था जाहिद भाई से, जाहिद भाई मैंने पूछना था कि मेरा पोर्टफोलियो में एक तो मैं होल्डिंग में फंसा हुआ हूँ, और अब ये अपना ये जो आप कह रहे हैं ना लेवल्स BTC के आके पॉसिबल है 25, 28, 30, 32, तो वहां पे ना एल्ट कॉइन बहुत मरे हुए रेट पे मिलेंगे। तो अगर मैं वहां पे छोटी अमाउंट भी डालता हूँ तो फिर मैं होल्डिंग पे अगर छोड़ देता हूँ बुल साइकिल की पीक पर, तो वो काफी अच्छे पैसे कमा सकता है। कहने का मकसद मेरा ये था कि कोई अगर पैसे डालूंगा 250 $250 तो पॉसिबल है ना कि वो मेरा अच्छा अमाउंट बना। जादू आपकी आवाज कट रही है ब्रदर, मेरी आवाज नहीं आ रही थी। आई है मुझे थोड़ा अंदाजा हुआ है क्या बोला आपने, मगर वो कट रही थी। हेलो, यही बोला आपने, यही बोला है कि भाई आप जो है थोड़ा बहुत अभी बेच दो, फिर आप जो नीचे आएगा तब खरीद लो, यही बोला? हाँ, यही। अच्छा देखें, मैंने आपको जब ये बोला कि उधर आ सकता है, पॉसिबल है, तो साथ में ये भी बोला ना कि 100% तो गारंटी है नहीं, तो इसीलिए हम लोग उसको साथ साथ लेके चलेंगे ना। इस इंतजार में आप नहीं बैठो एग्जैक्टली कि 100% उधर ही आएगा, इसीलिए अपडेट्स बोला था कि आप फॉलो करते जाओ साथ साथ जो तो आपने जो गुड टाइम्स वाली अभी एक अपडेट दी थी, तो वो आपका मकसद क्या था? वो जो अक्टूबर की डेट है उसके बाद तो आपका मकसद था। वो तो ये था ना कि भाई हमारा अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा ना आहिस्ता आहिस्ता, वो तो फिर जाहिर बात है अप ट्रेंड जब शुरू होगा तो अच्छी चीज है ना। सही है, मतलब आपका वही मकसद था कि अपट्रेंड करीब है तो इसलिए गुड टाइम आने वाले। उससे पहले लाजमी अगर नहीं लेता तो फिर क्या होगी, मतलब प्लान अगर वो शेक आउट नहीं करती मार्केट, मतलब नीचे नहीं जाती तो वहीं से अगर निकल जाती है तो आप ऊपर से बाइंग करवाएंगे। बिल्कुल, फिर ऊपर से बाइंग करना भी कोई वो मायने रखेगी, क्योंकि फिर आइटम ने काफी अच्छा ऊपर जाना होता है, यही होता है ना। नहीं देखें सब एक आप अगर मैं बता सही कह रहा हूँ। हेलो, अब बोले आवाज आ रही है? हेलो जी हाँ, अच्छा भाई इनका जवाब मैं देता हूँ। वो जरा मैं खाना वाना भी साथ साथ बना रहा हूँ ना, तो मैं उसको चेक कर रहा हूँ। क्या बना रहा है? भिंडी, मुर्गी, चावल। अच्छा, तो स्टोरी क्या है कि भाई आपने बोला ये जो भी थे कि वो जब उधर आएगा फिर उधर ले लेता हूँ, यहाँ बेच देता हूँ, ये वो हिसाब किताब। तो देखें, पहले तो ये कि मुझे नहीं पता कि आपने क्या उठाया, कितना उठाया, क्या हिसाब किताब है, क्या पोर्टफोलियो है, कितना रिस्क है, कितना नीचे आया है, ऊपर है, प्रॉफिट में, लॉस में, क्या स्टोरी। एक तो ये, दूसरा नीचे आने वाली जो बात है ना, वो एक बायस तो है कि यस हम तो देख रहे हैं उस तरफ नीचे। जरूरी नहीं एग्जैक्टली 25, मैंने आपको ये नहीं बोला, मैंने बोला 25 भी हो सकता है, 28 भी, 30 भी, 32, 34, इस तरह की बात है मैंने की। और ये सारे के सारे हमारे फेवर में। अब चाहे वो 30 पे आए, चाहे वो 34 पे जाए, चाहे वो 25 पे जाए, चाहे वो 28 पे जाए, हमारा उससे क्या ताल्लुक है, क्योंकि हमको तो मुफ्त में मिल रहा है ना सब कुछ। बड़ा नीचे आ जाएगा ठीक, बनस्बत इसके कि आप आज लेते हो उसको 40, 41, 42, 45 जो भी। तो ये तो बायस तो है, ये तो 2 महीने वाली बात है, आज की बात नहीं है जो मैंने आज की, ये 2 महीने पहले की थी सितंबर के बारे में, वो हो रहा है। तो इसीलिए फिलहाल तो वो बायस है। 12 ये कि 100% वहां पे आना है उसने, नो, इस चीज की हम गारंटी नहीं दे रहे ना, हमारे पास है गारंटी, मगर हमारा अंदाजा है, ये एक एनालिसिस है, ठीक है ना। तो ये गारंटी नहीं है इसकी 100% वहां पे आएगा, लग तो रहा है। तो जब तक हमें लग रहा है कि यस भाई हमारा जो बायस है, मार्केट उसी हिसाब से जा रही है, तो वेल एंड गुड, बस ठीक है, उस हिसाब से हम प्रिपेयर करते जाते हैं और साथ साथ अपना पोर्टफोलियो जो है उसको हम बिल्ड करते जा रहे हैं, ठीक है जी। मगर इस चीज पे बैट करना कि भाई मैं भी बस बेच देता हूँ सारा, बस इंतजार करूंगा जब नीचे आकर उठा लूँ, तो ये गलत है। क्योंकि इनकेस अगर मार्केट ज्यादा नीचे नहीं आती, बेशक थोड़ा और नीचे आ जाए जो कि अभी है, अगर 40, 42 जो भी है, अब यहाँ से अगर सब फर्ज करो 2000, 3000 और नीचे गिर के बस बम भाई मार्केट जो है वो रिवर्स करना शुरू, तो फिर तो आप तो खानाबाद, आप तो फिर फंस जाओगे ना, आप तो हैरान हो जाओगे कि मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गया। फिर वो फोमो में आप जो है गलत फैसला करोगे, एकदम ऊपर कहीं से ले लोगे, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि जो पोजीशन है वो ठीक है, बस ये कि डॉलर कॉस्ट एवरेज करो। ये डॉलर कॉस्ट एवरेज है इसीलिए कि भाई आप जो है इसको किसी चीज में अगर फंस गए हो या लिया है मिसाल के तौर पे, उसको आपने होल्ड करना है, तो आप उसको थोड़ा सा पोजीशन ऐड करते जाते हो, क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, थोड़ी कम प्राइस में भी, एवरेज भी साथ साथ नीचे आ रही, तो ये बड़ा जबरदस्त स्ट्रेटजी है, इसको इस्तेमाल करते हैं। किसी ने अगर एंट्री ली नहीं है तो वो, उसने अगर लेनी है तो वो कम एंट्री ले, मिसाल के तौर पर। ऐसा नहीं कि अगर 500 है तो 500 का 500 डाल दो, 500 नहीं डालो, 500 में से आप 250 डाल लो, 250 रहने दो। इनकेस हम नीचे जाते हैं तो फिर उसमें आप 100 और डालो, और नीचे जाते हैं 100 और डालो, इसी तरह 50, ये तो आपका पूरा 500 पूरा हो गया। ये बेहतर तरीका है, ये उनके लिए जिन्होंने एंट्री नहीं ली, जिसने ऑलरेडी ले ली है वो सिर्फ डॉलर कॉस्ट एवरेज करे। अगर तो प्रॉफिट में तो प्रॉफिट तो यस, तो कॉमन सेंस है कि आप अपना प्रॉफिट लो, बेशक पूरा एग्जिट नहीं करो, प्रॉफिट आप अपना निकाल लो, थोड़ा बहुत इनिशियल मार्जिन में से अगर 8-20% अगर निकालना वो भी निकाल, कोई मसला नहीं, क्योंकि अंदाजा तो है साथ में कि ये चांसेस है नीचे जा सकता है, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर करते हो। मगर पूरा इस तरह ना बैठो साइड पे कोई बंदा कि बस 100% नीचे जा रहा है बस खत्म फिर उठाओ, नो, ठीक है जी। वकास खालिद, चल ये आखिरी सवाल है। ओके, निम्रा जाहिद, किसी का दिल नहीं है सवाल पूछने का, बस करते हैं, चले ठीक है जी। आप लोगों से बात हुई, आप लोगों को बड़ी खुशी हुई इस बात से, ठीक है इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।